Prisabhai Nusute Devi Pranamami Hari Priya Bhatya Bhina Parada Lakshani Kita Sita Madhita Ranga Madhani Kripa Maitvam Saranam Prabharna Vrindinumasti Charanarabhindam He Sri Sanatana Prabhu Karunam Bharasi He Rupa Durgat Janai Daya Bhalokai He Bhatta Jukma Sumatiri Raghunath Dasa Sri Jeeva Mikulta Mandamatir Dayang Bharasi Tamadi Devam Karunanidhanam Kamalavarnam Suhidavataram Apara Sansara Samudra Setum Bhajamai Bhagavatam Swarupam Jan Prabhajantam Anukritam Apita Krityam Vaipayana Virahakatara Ajubhavam Putreti Tanmaya Tayatara Bohunidum Stam Sarva Bhuta Hridaya Munimana Tosmi Narayanam Namaskritta Narancaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sabe Gaur Hath Thakrita Bala Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Sarvapratham Mere Guru Pad Padma Mitrila Prabhishna Vishnu Pad Ashtodar Satasri Sri Srimad Bhakti Sriyo Siddhanti Goswami Maharaj ke Charno Kamarane Anant Kutti Sashtan Kamarak Pranam Karta Tatpashyat Mere Siddhya Guru Pad Padma Nitalila Prabhishnam Vishnu Pad Ashtodar Satasri Sri Srimad Bhakti Vedanta Sriya Narayana Goswami Maharaj ke Charno Sarjane Sraddha Pushpanjali Arpana Karta उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किए कि ये सुत का मतलब क्या होता है कि जो घोड़ा जो रथ चलाते हैं उनको सुत कहते हैं बोले ये छोटे जाति का देखते लेकिन जो सौनक आदि ऋषि ये बड़े बड़े ऋषि लोग हैं ये बड़े बड़े ये ब्राह्मण लोग हैं लेकिन ये लोग प्रश्न कर रहे हैं एक छोटे जाति व्यक्ति को कहते इसका तात्पर्य क्या है बोले तात्पर्य है बोले जात पात पूछना कोई हरि का भजा सो हरि का भगवान की भक्ति में वो जात पात का कोई विचार नहीं जो भजन करता है वे बड़े हैं जैसे सबरी भगवान छोटे जाते हैं लेकिन ठाकुर जी सबरी के झूठे बैर ठाकुर जी खाते हैं हनुमान जी कभी बंदर हैं हनुमान खुद कहते हैं सबरे अगर मेरे मुंह कोई देख लेना मेरे नाम कोई ले ले दिन भर उसको भजन नहीं मिला लेकिन देखो भगवान राम की महिमा देखो भगवान कैसे कृपा करके हमें अपना चरण में स्थान दिया है कहते गुहा कहते चंडाल है गुहा का चंडाल है लेकिन भगवान उसको साथ में अपना मित्रता ठाकुर जी करते हैं इसका तात्पर्य है भगवान की भक्ति में
कोई जात पात का कोई विचार नहीं है, जो भजन करता है वो बड़ा है। इसलिए भगवान श्री भक्त वत्सल है, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, स्वर्णकाद ऋषियों ने दूसरे जो प्रश्न की थी, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय किया है, इसका उत्तर श्री सुत गोस्वामी देते हैं। बोले एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकोटभयम् योगिनाम् नृपनिर्मितम् हरे नामानुकीर्तनम्। कहते कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है, ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, जहाँ पर रहो ठाकुर जी जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रहो, हर भगवान के नाम कीर्तन करो, प्रभु का नाम कीर्तन से ही जीव का उद्धार होगा। बोले भैया ये हरि नाम को कौन कौन करते हैं? अगर कोई बोले भैया हमें बद्ध जीव है ना, हम माया में पड़े हुए, इसलिए हमें ही ये हरि कीर्तन करनी चाहिए, नहीं। कहते जो मुक्त महापुरुष है वो भी भगवान के नाम जप करते हैं। शंकर जी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले महामंत्र जय जप का महेशा, महामंत्र जय जप का महेशा, कास्ते मुकाती है तो उपदेशा, काशी मुकाती है तो उपदेशा, महामंत्र जय जप का महेशा, महामंत्र जय जप का महेशा। इसलिए कहते श्री भोले बाबा क्या करते हैं दिन रात? बोले पंचमुखी राम नाम दान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम को जप करते हैं। श्री हनुमत लाल जी देखो दिन भर करते हैं क्या, प्रभु के चरण में बैठ करके रघुपति राम राजा राम, उसके बाद में पतित पावन सीता राम, हनुमान के दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। कहते माँ देवी, एक समय माँ देवी शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु किसके नाम जप करना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए? शंकर स्वयं कहते हैं, बोले राम रामति रमति रम रमी मनोरमी सहस्रार नाम विष्णु श्री राम नाम बरानी। बोले हे पार्वती, प्रभु राम का जो नाम बड़ा मीठा नाम, बड़ा प्यारा नाम है, इसलिए राम नाम में मेरा मन रम जाए। इसलिए तब से माता पार्वती गोस्वामी जी कहते हैं, सहस नाम सुनी प्रिय वाणी, जपी जय प्रिय संत भवानी। माता पार्वती को शंकर जी क्यों इतना प्यार करते हैं? माता पार्वती को शंकर जी इतने प्यार क्यों करते हैं? कारण क्या है? बोले कारण है माता पार्वती दिन रात प्रभु के नाम जपते हैं। देखो हम भागवत में एक प्रसंग श्रवण करेंगे, जब चित्रकेतु महाराज कैलाश में पहुंचे, ध्यान दे कृष्ण, जब चित्रकेतु महाराज कैलाश में पहुंचे, देखा शंकर जी माता पार्वती को गोद में बैठा रखे और ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे हैं। इतने में चित्रकेतु महाराज उनको थोड़ी सी टोंटी किया था, बोले भैया आप पत्नी को तो एकांत में कोई गोद में बैठा दे, और ये तो आप ऋषि मुनियों को बीच में उपदेश दे रहे हो ऋषियों को, और माँ पार्वती को गोद में बैठा कर रखे। बोले क्यों, कारण क्या? ध्यान दे कृष्ण, शंकर जी क्यों पार्वती को गोद में बैठा कर रखते हैं? इसका कारण बताए, अगर कहीं भी कोई व्यक्ति एक बार प्रभु राम का नाम कृष्ण का नाम ले, शंकर जी कहते हैं वो व्यक्ति जहाँ पर रह करके प्रभु का नाम लेता है, मैं यहीं से उनको दूर से वो व्यक्ति को प्रणाम, शंकर जी खुद कहते हैं।
जो एक बार प्रभु कृष्ण और राम का एक बार नाम ले ले, शंकर दूर से उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन माता पार्वती दिन रात प्रभु का नाम जप करती है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, भैया जो व्यक्ति दिन रात प्रभु का नाम जप करती है फिर उसको क्या करनी चाहिए, कहते उसको गोद में बैठा कर रखनी चाहिए। इसलिए शंकर जी पार्वती को गोद में इसलिए बैठा करके रखते हैं। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते हैं, जो व्यक्ति हर समय प्रभु का नाम जप करता है मैं उसको क्या करता हूँ, अपना गोद में उसको बैठा कर रखता हूँ। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हैं, केवल बद्ध व्यक्ति, जो माया में फंसे हुए व्यक्ति, केवल वही प्रभु का नाम लेते, ऐसे बात नहीं, कहते जो मुक्त महापुरुष भी प्रभु का नाम जप करते हैं। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी के नाम जप करनी चाहिए। कहते भैया नाम कौन जप कर सकता है, मैंने कल बताया था, जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं ना उनका तीन काम हो जाता है। किसको याद है बोलो तो कौन बोलेगा, इसको नाम दूंगा। किसको याद है कौन बोलेगा बोलो, जो भगवान के नाम जप करते हैं उसका तीन काम अपने आप हो जाता है, बोलो कौन बोलेगा, हाथ उठा कौन बोलेगा, कोई एक कारण तो कम से कम बोलो, किसको याद नहीं, सब भूलेंगे, सब सब भूल गए, सब कथा क्या सुन रहे थे, दुनिया की बात याद कर लेते हैं, देखो ध्यान देख रहे सुनो, फिर कल फिर मैं पूछूंगा, ठीक है। फिर जो भगवान के नाम जब करते हैं पहला काम ये होता है, कहते जब महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं रजिस्टर ले आओ, बोले क्यों, बोले वो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, रजिस्टर से उसका नाम काटते, मतलब वो व्यक्ति कभी जमपुरी नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है, आरती के लिए खड़े हो जाएंगे ब्रह्मा जी, आरती के लिए ब्रह्म लोक में आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं, बोले क्यों, बोले भगवान के नाम जप कर रहा है, जब ये भूर भूभ मोह जन तप सत्य लोक पार करते हुए जाएगा उस समय बीच में आरती उठा रहा हूँ। तीसरा नाम काम क्या है, बोलो वृंदावन में राधा रानी अपना सखियों को कहती, बोले रजिस्टर ले आ इसका नाम को लिख दो, बोले क्यों, बोले भगवान के नाम जब कर रहा है अभी ये सीधा गोलोक वृंदावन आएगा, सीधा गोलोक वृंदावन आएगा, याद रहेगा कि नहीं, आज तो भूल गए फिर कल कैसे याद रहेगा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया ये हरि नाम को कौन जब कर सकता है, बोले सभी नहीं कर सकता है, इसलिए कहते हैं ना भले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, नाम जपी की गौरा मानी, नाम जपी की गौरा मानी, कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, काला जपी थी यशोदा माँ, काला जपी थी यशोदा माँ, मिल गया मुरली काला जपेगा कोई दिल वाला,
का कोई दिल वाला माला जपती अंजना माला जपती अंजना माला जपती अंजना जपी अंजना मिल गया माला जपेगा तो मिल गया मधुरत माला जपेगा तो लोग अंदर में शराब पीने के लिए शर्म नहीं लगता है, चुगली के लिए उसको शर्म नहीं लगता, लेकिन तिलक लगाने के लिए शर्म लगता है, गले में कंठी पहनने के लिए तिलक उसको शर्म लगता है। इसलिए भगवान के नाम जप करने के लिए शर्म लगता है उनको, इसलिए कहते भैया राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हम जो दिल जिसका वो जप नहीं कर सकता है। कहते सबसे बड़ा रोग क्या बोलेगा लोग, क्या बोलेगा लोग सबसे बड़ा रोग है भैया, दुनिया क्या बोले, कहते ना दुनिया क्या बोले, मैं तो है गया तेरी दुनिया क्या बोले, जिनको शर्म है वो भजन नहीं कर सकते दुनिया के लिए, तो गंदे बात के लिए हम शर्म नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति भजन करने के लिए हमें शर्म लगता है। भैया शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म तो गंदी चीज के लिए शर्म करो, भक्ति के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए राम नाम की कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जिनका दिल मजबूत है ना वही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कमजोर वाला नहीं कर सकते, कमजोर वाला भी भजन नहीं कर सकते। बाबा आपकी ऊपर मत बैठो, कथा सुनो मेरे तरफ में देख रही है, नीचे बैठो भैया, जो कथा सुनो जाते ना बीच में कोई बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए श्री सुख गोस्वामी कहते हैं बोले तीन तरह के व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, बोले भैया तीन तरह का व्यक्ति कौन है, पहला नंबर है जो मुक्त महापुरुष है वो भगवान की भक्ति करते हैं, बोले दूसरा व्यक्ति कौन है, बोले अकूत भयम, संसार में जो सुख शांति में रहना चाहते हैं, निर्भय में रहना चाहते हैं, तो वो भगवान की नाम जप करते हैं। इसलिए एतत् निर्भिद्यमानानाम इच्छताम अभूत भयम्, बोले योगी नाम निर्भय, जितने योगी जिसमें ऋषि जितने मुनि ये सब के सब मिल करके सारे शास्त्रों को मंथन किया है, मंथन करके क्या निकाले, बोले भगवान की नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये तिलक लगाने वाले इधर सुने, इधर सुना तिलक लगाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए तिलक नहीं लगाते, तिलक घर से लगा करके आनी चाहिए, ऐसे नहीं कथा में आए दुनिया को दिखाने के लिए तिलक लगाते हैं, ये तिलक रोज अपना घर में, ये तिलक रोज अपना घर में लगानी चाहिए, कथा में दिखाने के लिए नहीं। इसलिए जब हमने गुरु जी से एक बार घंटी माला तिलक लिया ना, इसको अपना जीवन का जैसे हनुमान जी का तिलक लगाए कि नहीं, भगवान कृष्ण का देखो तिलक लगाए कि नहीं, भगवान राम देखो तिलक हर समय लगा लेते हैं। इसलिए वैष्णव धर्म का पहला नियम है सवेरे नहा धो करके सबसे पहला काम तिलक, सबसे पहला काम क्या है तिलक, क्योंकि देखो जगत में जैसे कोई ब्राह्मण घर में पूजा कराने के लिए आता है, जब तक आपको तिलक नहीं लगाएगा तब तक आपको पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा सब निष्फल है, सब तुम्हारी निष्फल, जो पूजा सेवा करोगे सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए नियम है नहा धो करके घर में सबसे पहले तिलक, सबसे पहले तिलक लगाएगा, नहीं तो आपके सेवा पूजा सब निष्फल हो जाएगी। हम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई बिजनेस में जा रहे हैं बढ़िया कोई शुभ काम, हम क्या करते हैं तिलक लगा करके बैठते,
मतलब तिलक लगा कर कहीं भी किसी काम में जाओ जरूर वो काम आप कर जाएगा। इसलिए तिलक घर में लगा करके सबसे बड़ा ठीक है ना, यहाँ आकर के नहीं लगा की जरूरत नहीं, घर में लगा करके तिलक आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले भजंती तत्व विदस तत्व जज ज्ञान नमद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवान की सप्तते। मतलब एक ही भगवान है, कहते एक ही भगवान की, कहते इनकी तीन प्रकाश है, कहते इनकी तीन प्रकाश है, एक प्रकाश है ब्रह्मा, एक प्रकाश है परमात्मा और एक प्रकाश है भगवान। देखो अच्छे तरह से सुनो द्वितीय जी की, बहुत ध्यान से सुनो। अभी कुछ कुछ लोग आ करके बोलते हैं भैया भगवान तो निराकार है, उसका तो कोई रूप नहीं, उसका कोई रूप गुण नहीं, उसका कोई लीला नहीं, वो तो निर्लिप्त है, हैं? वो तो निराकार निरंजन है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति कहते नहीं, भगवान को जो अंगुष्ट परिमाण जो परमात्मा है उसको हर समय हृदय में ध्यान करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं नहीं भगवान तो कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान नारायण है। कभी कभी हम बीच में ना बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते भैया किस पर किसको पूजा करनी चाहिए, क्या ये निराकार को पूजनी चाहिए, ना ये परमात्मा को पूजा करनी चाहिए, ना ये भगवान कृष्ण को पूजा करनी चाहिए। कभी लोग इसी विषय पर बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ये सारे कन्फ्यूज को दूर करते हैं। आप लोग ध्यान देखिए सुनो, देखो ये चीज इतना चीज समझ गए ना फिर तो आप किसी को भी समझा सकते हो। अगर ये चीज को नहीं समझेंगे ना, जो जिधर बोलेगा उधर भाग जाओगे, जो जिधर बोलेगा उधर आप भाग जाओगे, ये बोलेगा ये बोला इधर चलो, कोई बोलेगा नहीं इनको फिर इधर चलो। इसलिए अच्छे तरह से ये चीज को समझो। सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे तरह से ये बात को समझा रहे हैं, कहते भगवान एक ही भगवान है लेकिन इनका तीन प्रकाश है और इनका तीन तरह का भक्त है। बोले इनका तीन प्रकाश क्या है, बोले एक प्रकाश है भगवान जैसे राम है, जैसे भगवान कृष्ण है। बोले दूसरा प्रकाश कौन है, कहते इनकी एक परमात्मा स्वरूप है। बोले इनके तीसरा प्रकाश क्या है, बोले इनका ब्रह्म स्वरूप है। कहते ये ब्रह्म रूप को कौन पूजा करते हैं, कहते जो ज्ञानी लोग उनको पूजा करते हैं। कहते ये परमात्मा स्वरूप को कौन पूजा करते हैं, बोले योगी लोग। बोले भगवान राम कृष्ण नारायण इनको पूजा कौन करते हैं, बोले भक्त लोग। एक ही भगवान लेकिन इनका तीन प्रकार। अभी प्रश्न होता है भैया ये तीनों क्या बराबर है ना, ये एक ही चीज है। हाँ ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आम का सीजन दशहरा चौसा बड़ी सुंदर आम मार्केट में आया। एक राजा ने एक अपना सेवक को बोला, बोले मैंने सुना मार्केट में बड़े सुंदर दशहरी और चौसा आम आया, जाओ तो देख कर गया। वो सेवक गया देखा दुकान में एकदम पीले पीले रंग के बड़े सुंदर आम दिख रहा है। तो उन्होंने देख करके वापस आ गया, बोले महाराज सचमुच से बड़े सुंदर आम दशहरी चौसा आम दिख रहा है। राजा दूसरे सेवक को भेजा, भैया तू देख रहे क्या क्या है। दूसरा सेवक गया वो भी देखा बड़ा सुंदर आम, देख करके उसने स्पर्श किया देखा पका हुआ आम सूंघा बड़ा खुशबूदार। वापस आया राजा ने भेजा आम तुमने देखा है, बोले देखा महाराज बड़ा सुंदर बड़ा सुगंध और एकदम मीठा आम है, एकदम मीठा आम है। राजा फिर तीसरे सेवक को भेजा, भैया तू देख करके आ। तीसरा सेवक देखा तो सचमुच से बड़े सुंदर आम है, पीले पीले रंग के सूंघा स्पर्श किया बड़ा सुंदर खुशबू है। बोले भैया 5 किलो आम दो। तो उन्होंने 5 किलो आम लेकर के ठंडा पानी में भिजवाया और ठाकुर जी को अमनिया करके ठाकुर जी को तुलसी दल से भोग लगाया। जब उसने आम खाया ना बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा भैया आम कैसे हैं, बोले महाराज बड़ा मीठा आम है, मैंने खा कर जो देखा है बड़ा मीठा आम है।
देखो कि जो आम तीनों को मिला कि नहीं, ये आम तीनों को मिला कि नहीं, मिला, लेकिन ये मिलने पर भी ये सबको बराबर नहीं मिला, ये सबको बराबर नहीं मिला है। कहते भैया फिर इसमें क्या प्रमाण किया है, फिर इसमें कौन कौन किया है? बोले पहला व्यक्ति जो गया था और उसने केवल देख करके वापस आ गया। कहते ये कौन है? देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो, बढ़िया से दिमाग में बैठा है, नहीं तो ना हम भटकते रहेंगे, फिर हम भी भटकते रहेंगे, कभी इधर भागोगे कभी इधर भागोगे उधर भागोगे, जो जैसे बोलेगा उसमें रम जाओगे। कहते जो केवल दूर से उसको देख करके आया, कहते ये ज्ञानी है जो भगवान को एक निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में देखा है, इतना ही और उसको कुछ नहीं दिखा। दूसरा व्यक्ति जो भैया जो देखा उसको स्पर्श भी किया, बोले ये कौन है? कहते ये योगी है। कहते ये लोग क्या करते हैं? बोले अपना हृदय में ये अंगुष्ट मात्र परमात्मा को अपना हृदय में ध्यान करते हैं, केवल इतना तक इनको प्राप्ति है। लेकिन लास्ट में गया जो देखा स्पर्श किया और उसको ले करके आया, ठाकुर को भोग लगाया और उसको सेवा भी किया, उसको खाया, ये कौन है? बोले ये भक्त है। ये कौन है? भक्त है, जो कि भगवान को दर्शन भी करता है। जैसे श्री हनुमत लाल जी क्या करते हैं? हनुमान जब भगवान राम विश्राम करते हैं, हनुमान जी प्रभु राम के चरण की सेवा करते हैं। अगर कहीं जाना हो हनुमान जी क्या करते हैं? भगवान को कंधे पर बैठा लेते हैं, आकाश में उड़ करके चले जाते हैं। कहीं भगवान राम बैठे हुए हनुमान अपना पूछ से बड़े सुंदर छतरी बना देते हैं, ठाकुर को धूप नहीं लगे, छतरी बना देते हैं। अगर कहीं मैसेज भेजना तो हनुमान जी मैसेंजर बन करके खबर जा करके देते हैं। इसलिए कहते यद्यपि भगवान सबको मिलते हैं, एक ज्ञानी को भी मिलते हैं, एक योगी को भी मिलते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप में किसको मिला है? बोलो किसको पूर्ण रूप में मिला है? भक्तों को। इसलिए देखना कहीं पर ये नहीं बताया योगी का भगवान, कोई नहीं कहते ज्ञानी का भगवान। भगवान किसके भगवान है? जोर से बोलो, हाँ भक्तों के भगवान है। इसलिए इनका एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान को राम कृष्ण नारायण की जो हमारी भगवान, हमारे जो सनातन धर्म में, हमारे जो हिंदू धर्म में जो ठाकुर पूजा है, हैं? इसलिए जो विग्रह रूप में जो सेवा करते हैं, कभी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री सूरदास जी बड़ा सुंदर एक भजन लिखे, बड़ा प्यारा उन्होंने एक भजन लिखे सूरदास जी, कहते सबसे ऊंची कहते प्रेम सगाई। ये भजन को श्री सूरदास जी ने लिखे तब उन्होंने देखो कितने सुंदर उन्होंने उदाहरण दिए, और उदाहरण देते हैं देखो भगवान ने भक्तों का प्रेम में बसीभूत होकर के ठाकुर जी क्या नहीं किया। बोले प्रेम के बस दुख और चुना रखा हमको, भूल गए ठाकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। डॉक्टर बाबू सामने बैठा तो इधर आ जाए, इधर इधर आ जाए, इधर बैठा। हरे कृष्ण बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान भक्तों का प्रेम में बसीभूत होकर के ठाकुर जी क्या नहीं किया। भगवान होकर के अर्जुन का सारथी भगवान बन गए, कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, सारा दुनिया जिनके आदेश को पालन करते हैं, लेकिन भगवान भक्तों का आदेश को पालन करते हैं। कृष्ण अर्जुन कृष्ण को आदेश देते हैं, बोले प्रभु मेरे रथ का ले चलो, दोनों सैनिक को बीच में खड़े कर दो, मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको साथ में मेरे को युद्ध करना पड़ेगा। हर भगवान भक्तों का अधीन बन करके भगवान रथ को खींच कर ले जाते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान सबरी के झूठे बैर ठाकुर जी खाए, ठाकुर जी झूठे बैर ठाकुर जी खाते हैं। बोले भक्तों का वशीभूत होकर के भगवान जब राज सूर्य यज्ञ हो रही थी, सब लोग तो बड़े बड़े सेवा को बांध लिए, अभी दो सेवा अभी बाकी रह गई, सबसे जो घटिया सेवा है। बोले क्या घटिया सेवा? बोले ये साधु संतों का चरण तो हम धोएगा,
ये जूती कौन संभालेगा और खाने का बाद ये झूठे पतलों को कौन उठाएगा। अब ये दो सेवा को कौन करेगा? कृष्ण बोले देखो मेरे को पता था ये दो सेवा कोई करने वाला नहीं, ये दो सेवा को मैं कर लूंगा, ये दो सेवा को मैं कर लूंगा। कहां देखो भगवान है, भगवान होकर के झूठे पतल को उठाते हैं और जूती संभालते हैं भगवान। भगवान प्रेम के वसीभूत होकर के ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी प्रेम के वसीभूत होकर के जब भगवान शांति दूत बन करके ठाकुर जी गए, दुर्योधन पहले से ही छापान भोग छत्र से व्यंजन बना कर रखा था, भले ये ग्वाला उसको खिला पिला करके दूर कर दिया। भगवान को बोले प्रभु चलो पहले खाना खा लो, उसको बाद में फिर बात करेंगे। कृष्ण ने कहा देखो दुर्योधन तीन जगह पर खाया जाता है, पहला नंबर है अगर किसको भूख लगे तब कोई भोजन करता है, लेकिन मैं आत्माराम और आपका काम हूँ, मेरे को भूख नहीं है। दूसरे जगह पर खाया जाता है, बोले कहाँ पर? बोले जिस काम के लिए आए हो अगर ये काम बन जाए ना, बोले भैया कम से कम काम बन गया भोजन करो, लेकिन हम जिस काम के लिए आए तो काम भी नहीं होता। तीसरा जगह पर भोजन करते हैं अगर कोई मित्र हो ना वहां पर भोजन कर लेते हैं। दुर्योधन ने कहा कि आप मैं तुम्हारे मित्र नहीं हूँ। बोले देखो ये जो पांडव है ना ये मेरे भक्त है, मेरे भक्तों का जो मित्र वो मेरे मित्र है और मेरे भक्तों का जो शत्रु है मेरे शत्रु है। बोले कहीं तो खाओगे? बोले कहीं खा लूंगा। कहते दुर्योधन को मेवा त्यागे साग विदुर घरे खाए सबसे उची प्रेम सगाई। भगवान जब विदुर जी को घर में पहुंचे, उसी समय विदुर जी बाहर गए हुए थे, घर में विदुरानी थी। अभी ठाकुर जी को कहाँ बैठाएगा, क्या खिलाएगा ठाकुर जी को? उन्होंने ठाकुर जी का आसन दे करके बैठाए, देखा वहां पर केला है। ठाकुर जी को केले की छिलका खिला रही थी और केले फेंकते हुए जा रही थी। जब थोड़ी देरी बाद में विदुर जी आए, बोले पागली क्या कर रहे हो, भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो? वो तो प्रेम से खिला रही थी, ठाकुर जी खाते जा रहे थे खाते जा रहे थे। जब उसको ध्यान आया ठाकुर जी को केला खिलाना शुरू कर दी। कृष्ण ने कहा विदुर मैं केला भी नहीं खाता हूँ छिलका नहीं खाता हूँ, पहले केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था अब ये केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है, मैं तो केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ, मैं और कुछ खाता ही नहीं हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम को द्वारा जितने वशीभूत होते हैं और किसी चीज को द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। और उन्हें बोले कहते छाक में नाच मचायो, कभी कभी गोपियां कहते कन्हैया तेरे को लड्डू खिलाएंगे तेरे को छाक खिलाएंगे, तो नाच करके दिखाओगे भगवान ठुमक ठुमक करके ठाकुर जी नाचना शुरू कर देते। उन्होंने और एक सुंदर उदाहरण दिया है, कहते दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हरनाई। इसका रोज काम था दुर्योधन को शरीर में तेल लगाना, उसको मालिश करवाना, उसको स्नान करना, घोर किया करना, इसका यही रोज काम था। लेकिन दूसरे तरफ भी बड़ी संत से अगर कोई घर में साधु आ जाएगा जरूर ये सेवा करता था। बोले क्यों? इसको पता था भगवान कहाँ बैठते हैं। बोले संतों के हृदय, भगवान खुद कहते हैं मैं संतों का हृदय में बैठता हूँ, अगर मेरे भक्तों को कोई प्रसन्न कर देना मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। इसलिए वो बड़ा चतुर था, जानता है संत सेवा से जितना ठाकुर खुश होंगे और किसी काम को जरा भगवान इतने संतुष्ट नहीं होंगे। बड़े संत से भी था। एक दिन क्या हुआ, वो जिस समय में दुर्योधन की सेवा करने के लिए जाएगा ठीक उसी समय में घर में कुछ साधु संत आ गए। वो तो बड़े दुविधा में पड़ गया, बोला अभी मुझे क्या करनी चाहिए, अगर मैं संत सेवा करता हूँ फिर दुर्योधन का सेवा छूटेगा, ये दुर्योधन महादुष्ट है, हो सकता है नौकरी जाएगी नहीं तो जेल में बंद कर देगा। अगर ये दुष्ट की सेवा करने के लिए जाता हूँ फिर ये संतों की सेवा छूट जाएगी, अभी मुझे क्या करनी चाहिए। देखा दो रोज ये दुष्ट की सेवा करता हूँ लेकिन संतों की सेवा साज में नहीं मिलता है, जो कुछ हो जाएगा आज तुम्हें संत सेवा करूँगा, आज मैं संत सेवा करूँगा। उसने बड़े सुंदर रोटी सब्जी बनाए, ठाकुर को भोग लगाए, संतों की उन्हें सेवा करने लगे।
अभी ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, बोले क्यों? बोले दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, हो सकता है मेरे भक्तों को नौकरी से निकालेगा, नहीं तो मेरे भक्तों को जेल में बंद करेगा। इतने में कृष्ण स्वयं ये हरनाई का रूप धारण करते हुए दुर्योधन को घर में पहुंच गए और दुर्योधन का शरीर में तेल मालिश करना शुरू कर दिया। भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप, भगवान रस स्वरूप, भगवान प्रेम स्वरूप है। जब भगवान के शरीर का स्पर्श करने लग गई उसको तो रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसू की झरी बहने लग गई। दुर्योधन ने कहा, ए हरनाई, क्या आज तेरे हाथ में कोई जादू है ना किया? तू शरीर को स्पर्श करते ही पता नहीं मेरे हृदय प्रेम में गदगद हो रहा है, आंखों से आंसू की झरी बह रही है, क्या आज कोई जादू किया तुम्हारे हाथ में क्या? क्यों उसको पता नहीं भगवान कृष्ण स्वयं। आज दुर्योधन इतने प्रसन्न हो गया, बोले आज जितने आनंद मुझे मिला जिंदगी में कभी इतने आनंद नहीं मिला। उसको गले में जो गजमती का हार था ना, उसने निकाल करके हरनाई की गले में पहुंचा दिया, हरनाई की गले में पहना दिया। इतने में वो हरनाई वो स्वयं कृष्ण, लेकिन ये पहनाया तो कृष्ण को गले में, लेकिन वो हार अपने आप हरनाई की गले में पहुंच गया। हरनाई बड़ी देर में संतों की सेवा करते हुए भोजन करा के देर में डरते डरते आया, हो ना हो नौकरी से निकाल नहीं दे, नहीं तो कोई जेल में बंद कर सकता है। बड़े दुखी होकर के आया, आकर के दुर्योधन से बोला, देखो साहब जी, आज घर में कुछ साधु संत आ गए थे, उनको सेवा करने में मेरी देर हो गई, माफ कर देना। बोले क्यों? आज तुमने इतनी सेवा तुमने की, इतना आनंद मुझे जीवन में मिला, कभी जीवन में इतना आनंद मुझे कभी मिला ही नहीं। बोले नहीं, आज तो मैं आ नहीं पाया टाइम पर, देर हो गई संत सेवा करते करते। दुर्योधन को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ओ तेरे को मैंने इतने कीमती हार दे दिया ना, उसको पता नहीं गले में हार आ गया, बोले इतने कीमती हार दे दिया ये तो एंड गए हो। उसने किया क्या, हार को पकड़ा और छीन लिया। जब छीन लिया, हरनाई ने सोचा, भैया मेरे गले में हार तो कुछ थी नहीं, मेरे गले में तो हार पार कुछ थी नहीं, ये हार कहाँ से आ गया? लेकिन वो संत था ना, वो समझ गया, आज मैंने संतों की सेवा की, इसलिए आज बांके बिहारी स्वयं मेरे रूप धारण करते हुए आए और ये दुष्ट की चरण सेवा की। इसलिए ये कह रहा है, आज मुझे जितने आनंद मिला जीवन में कभी इतना आनंद मिला नहीं। बोले भैया, मेरे वजह से ठाकुर जी को आज ये दुष्ट की चरण की सेवा करना पड़ गया, आज उसे तेरी नौकरी में नहीं करूंगा। उन्हें नौकरी को प्यार किया, प्यार देकर के भगवान की भक्ति करने में लग गया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के भक्त लोगों के लिए ठाकुर जी प्यार नहीं किया ठाकुर जी, इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जयकार नहीं देगा कोई है, कोई जय कह रही। मैंने बताया ना, जो जितने जोर से भगवान की जयकार देगा उतना पाप उसको खत्म होगा, उतना पुण्य उदय होगा, उतना ही कल्याण होगा। जोर से बोलो, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री सूरदास जी इसलिए ये भजन को गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम से गाते, प्रभु जी उसका दो लाइन गाए, सबसे ऊंची प्रेम सरा, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, तेरी ओढ़ने की मेरा त्यागी, और जोधन की मेरा त्यागी, दुर्योधन की मेरा त्यागी, दुर्योधन की मेरा त्यागी, साग विदुली गर खाई हो, साग विदुली गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
Hari 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 Hari
अवतार में ठाकुर का जो सर्वप्रथम अवतार है ये ब्रह्मा का मानस पुत्र रूप में ये चतुष्पद रूप में भगवान है सनक सनातन सनातन और सनकत्मा ये चतुष्पद इनका उम्र हर समय 5 साल का रहता है ये 5 साल से कभी ये बड़े होते नहीं कभी छोटे भी नहीं होते कभी ये बड़े भी नहीं होते हैं और इनका जीवन किया है बोले कृष्ण कथा मात्र का जीवन हमारी आहार किया है दाल चावल रोटी सब्जी भाई का आहार किया बोले भगवान की कथा ही आहार है इसलिए भगवान की कथा सुनने का नाते ये कभी बड़े नहीं होते और छोटे नहीं होते इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो सूरज है ना यदि ये सूरज नहीं ये काल है ये सूरज नहीं ये काल है ये पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं और एक एक दिन हमारी नष्ट कर लेते हैं हम कहते हैं ना हमारा लाला 10 साल का हो गया लाला 20 साल का हो गया नहीं तो हम लोग 50 साल के हो गए बोले भैया 50 साल के कोई हुए नहीं है 10 साल के नहीं वो छोटे होते जा रहे कोई बड़े नहीं हो रहे सब छोटे हो रहे हैं लेकिन कहते ये काल सभी का समय तो नष्ट कर रहा है लेकिन एक व्यक्ति का समय के ऊपर इसका कोई प्रकोप नहीं करता है बोले किसको ऊपर है बोले तस्सरी के जन्म खनम बीत उत्तम श्लोक जितने समय हम भगवान की कथा सुनते हैं ठाकुर जी का नाम लेते हैं ठाकुर जी की भजन करते हैं क्योंकि जो काल का जो काल है ना भगवान इसलिए अभी जो हम कथा सुन रहे हैं ना सभी का परमाय को नृत्य कर रहा है लेकिन जो कथा सुन रहे हैं ना इनका परमाय के ऊपर में काल का कोई प्रकोप नहीं होता अब काल से ऊपर बैठे क्योंकि जो कथा सुनते हैं वो ठाकुर जी की गोद में बैठे हुए होते बांके बिहार की गोद में बैठे होते इसलिए काल की काल श्री ठाकुर जी हैं इसलिए ये चतुष्पद कभी बड़े नहीं होते हैं कभी ये बड़े नहीं होते हैं भले भगवान की जो दूसरा अवतार है भले भगवान बराह रूप में आए ठाकुर जी बराह रूप में आए देखो ध्यान दे कृष्ण कहते शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए कितना काम नहीं करनी चाहिए तो 4 काम किया है भले पहला काम है शाम को कभी सोनी नहीं चाहिए शाम का समय जो सोएगा ना वो दरिद्र बनेगा घर में कभी लक्ष्मी थी नहीं दूसरा काम है शाम का समय में भोजन कभी नहीं करो अगर उसी समय कोई भोजन करेगा तब वो पेट उसका उधर उधर जो रोग है पेट का रोग कभी सही नहीं होगा इसलिए शाम का समय में कभी भोजन नहीं करनी चाहिए तीसरा काम है शाम का समय पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए इसलिए हम कहते बच्चे घर में तो बढ़िया पढ़ता है लेकिन स्कूल जो पेपर देने जाता है ना सब भूल जाता है भैया उसका पढ़ाने का पढ़ने का समय उसको बदलना पड़ेगा शाम का समय में पढ़ेगा तो कोई चीज याद नहीं रहेगी और चौथा काम है कभी सहवास नहीं करनी चाहिए सहवास मतलब है स्त्री पुरुष और पुरुष पत्नी से मिल नहीं चाहिए कभी ये हिरण्य की हिरण्य कश्यप क्यों जन्म हुआ तो ठीक शाम का समय था ये दीदी ने राजकुमारी बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की शीशा को सामने खड़ी होकर जब श्रृंगार की तो राजकुमार की बड़ी सुंदर थी अपना रूप देख करके ऐसे बाबरी बन गई इतने काम में मुक्त हो गई उनका पति जो कश्यप ऋषि से उन्होंने मिलने के लिए बोली कश्यप ने कहा देखो दीदी कि जो समय है ना ये शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर के भ्रमण करते हैं ये समय अच्छा समय नहीं तो मिला मत करो लेकिन वो काम में बड़े आतुर हो गई थी वो जोर जबरदस्ती पति से मिली कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं की तेरी गर्भ में राक्षस जन्म ले
इसलिए हिरनाथ और हिरण का श्री धर्म है। इसलिए आप देखना कभी कभी बच्चा बड़ा हत्याकारी होता है, सवेरे उठेगा पिता माता की चरण छुएगा, पिता माता जो बोलेगा सो करेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उद्दंड होते हैं, संपूर्ण पिता माता की विरोध काम करते हैं, कभी कभी तो पिता माता को घर से निकाल भी देते हैं, सारे संपत्ति हड़प भी लेते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण कहते जो गर्भाधान संस्कार है वो किस समय में बच्चा गर्भ में आया। अब गर्भ संस्कार मतलब होता है गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को उल्टा पुल्टा फिल्म भी नहीं देखनी चाहिए, उसका भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। गीता रामायण भागवत पढ़ो, बच्चा बड़ी संस्कारी बन करके आएगा, पिता माता की बड़ी सेवा करेगा। लेकिन बीपी तो गलती काम की, लेकिन पति को चरण में माफी मांगी, बोले मेरे अपराध को दूर कर दो, मैं काम में बहुत आतुर हो गई थी, मेरे को माफ कर दो। बोले ठीक है, तुमने माफी मांगी हो, देख तेरी जो बेटा है ना इधर आकर से बनेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटा का जो बेटा है ना भगवान परम भक्त बनेंगे। इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा श्री प्रह्लाद बन करके आए और इतने बड़े संत बने, इतने बड़े भक्त बने। जब उसको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले ये बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ, मेरे प्रभु तो कण में विद्यमान है। बोले ये खंभे में क्या है? बोले मेरे को जो दिख रहा है ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। सचमुच से नरसिंह देव प्रकट हो गए और उन्होंने मुष्टि का घात प्रहार किया तो खंभा फट गया, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की इसलिए कहते हैं भगवान की जो दूसरा अवतार भगवान श्री वराह अवतार रूप में आए, ये पृथ्वी रसातल चली गई थी और उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उधार करके धूरी पर उन्होंने स्थापन की। फिर मनु महाराज ने ये सृष्टि के प्रारंभ की है। कहते भगवान की जो तीसरा अवतार है कहते श्री नारद जी के रूप में आए। अब सब नारद जी को जानते हैं, इनके बगैर प्रभु की कोई लीला ही नहीं है। रामलीला की कारना देखो श्री नारद, कृष्ण लीला की कारना देखो नारद जी, सब लीला के मूल श्री नारद जी। और विशेष करके इनके चार चले हुए, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए? एक प्रह्लाद और एक ध्रुव। और इनको ऐसे चला ऐसे चले हुए जो 5 साल उम्र में भगवत दर्शन किए, और वाल्मीकि और श्री व्यास दो वृद्ध हुए। और इन्होंने हमारे सनातन धर्म के ऐसे दो ग्रंथ लिखे जो अद्भुत ग्रंथ है, एक रामायण और एक श्री भागवत। दोनों चले ने दो अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। और श्री जो नारद जी, अगर किसकी नारद का संगम लिया ना, वास कल्याण कल्याण उसको हो जाता है, उसको मंगल मंगलमय हो जाता है नारद जी का अगर किसकी संगम मिल गई। बोले जिस समय दक्ष प्रजापति ने पहले मानस सृष्टि होता था, मन से सृष्टि करते थे, इसलिए दक्ष प्रजापति ने मन से उन्हें 10,000 संतान को उन्हें जन्म दिए। पहले ये नियम होता था हर बच्चों को गुरुकुल जाना पड़ता था, 25 साल से गुरुकुल में रहते थे। जब उन्होंने 10,000 बच्चों को गुरुकुल भेज दिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जब पढ़ाई समाप्त हो गई अभी घर में वापस जाएंगे, बोले गुरु जी आदेश दो अभी हम घर में जाकर के वापस जाएंगे, अपना घर गृहस्थी करेंगे। नारद जी ने बोले देख बच्चा तुम संसार करने जा रहे हो, पहले संसार को समझ कर ले जाओ, नहीं तो फंस जाओगे निकल नहीं पाओगे, इसलिए समझ बूझ करके जाओ। तब से नारद जी बड़े कूट प्रश्न किया। कूट प्रश्न मतलब होता है ऊपर एक और बाहर अंदर एक है। देखो इन्होंने क्या प्रश्न किया है, इनका पहला प्रश्न है बोले बच्चों ये बताओ ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमा रहे हैं, वो चक्र अपने आप घूमते जा रहे हैं। बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र जो चक्र को कोई घुमाते नहीं अपने आप घूमते जा रहे हैं, बताओ तो कौन सा चक्र है? बताओ कौन सा चक्र है? समय। ये काल चक्र है जिसको कोई नहीं घुमा रहे। तब हम जन्म लिए, धीरे धीरे बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई की, नौकरी चाकरी की, शादीशुदा की, धीरे धीरे बाल पकना शुरू हो गया, हाथ में कमजोर, दांत टूटना, बाल दो प्यार से तीन प्यार राम नाम करते हैं। बताओ ये चक्र को कोई चला रहे? वो चक्र अपने आप चल रहे हैं, ये अपने आप ये चक्र चल रही है। इनकी दूसरा प्रश्न है बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है,
विचित्र विचित्र वो बात करता है। बोले गुरु जी हमसे थोड़ी बात करते हैं, बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा हंस है वो जो का बड़ा विचित्र विचित्र बात कहता है। बोले ये हमारे वेद है, ये हमारी पुराण है, हमारी रामायण की भागवती अद्भुत अद्भुत बात करता है। बोले भैया ये क्या अद्भुत बात करता है। वो कहता है भैया तुम्हारी ये घर है ही नहीं, तुम रिफ्यूज होकर यहाँ पर आए हो, ये तुम्हारी घर नहीं है, अपना घर में वापस चलो, व्याप्तगढ़ है, अपना घर में चलो, ये तुम्हारी घर नहीं, घर तो तुम्हारी ठाकुर जी के चरण में। तो भगवान को भूलने का वजह से भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया है ये संसार की कारागार में तुमको डाल दिए बच्चे, यहाँ तुम्हारी घर नहीं, अपना घर में वापस चलो। जब आपके लिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ब्याह कर सुनो। बोले एक समय को ये बूढ़ी माता जी एक जगह से जैसे हापुर से मानो दिल्ली जाना है, अनपढ़ बेचारी, उसने एक टिकट बनाया बस में जाने के लिए, उसका टिकट नंबर था 15 नंबर। जब वो बस को अंदर में थी, बेचारी अनपढ़ थी, पूरा बस खाली, उसने किया क्या, 50 नंबर सीट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में 50 नंबर सीट वाले आए, बोले माता जी खड़े हो जाए, ये सीट तेरी है। उसने जाकर 40 नंबर सीट में बैठी गई। थोड़ी देर बाद में 40 नंबर सीट वाले, बोले माता जी खड़े हो जाए। बोले भैया बात क्या है, मैंने टिकट बनाया, मेरे को बैठने क्यों नहीं दे रहे। उसने 30 नंबर सीट में बैठी गई। थोड़ी देर बाद में 30 नंबर वाले सीट, बोले माता जी खड़े हो जाए, उठो यहाँ से। उसने जाकर 20 नंबर सीट में बैठी गई। अभी थोड़ी देर बाद में 20 नंबर वाले आ गए, बोले माता जी खड़े हो जाओ। अभी उस सोच रही मेरे को बैठने क्यों नहीं दे रहे, मैं तो टिकट बनाया। उसने देखा कहाँ पर बैठे, मेरे को कोई उठाएगा नहीं। देखा जो ड्राइवर का सीट सबसे अलग और बढ़िया लग रहा था सामने का, बोले अगर यहाँ पर बैठ जाओ ना मेरे को कोई नहीं हटाएगा। उसने जाकर सीधा ड्राइवर का सीट में बैठी, बोले बढ़िया सीट, अकेला सीट, यहाँ पर कोई ध्यान ना है। ड्राइवर गया था चाय पाए पीने के लिए, जब देखा बस पूरा पूरा भर गया, अभी ड्राइवर आया, देखा बूढ़ी माता जी बैठी हुई, बोले माता जी यहाँ से खड़े हो जाओगे मेरी सीट। अरे बाबा तेरे हाथ पाँव पकड़ता हूँ, बेचारे बूढ़ी आदमी मेरे को कोई बैठने के लिए नहीं दे रही, बढ़िया सीट अलग सीट है और अकेला सीट मेरे भी यहाँ सकता है। बोले माता जी ड्राइवर मैं हूँ, मेरे बगल गाड़ी नहीं चलेगी, इसलिए यहाँ से खड़े हो जाओ, मेरी सीट। बोले बाबा तेरे हाथ पाँव पड़ता है, मेरे को उठा मत, बूढ़ी आदमी मेरे को कोई बैठने नहीं के लिए देने नहीं दे नहीं रहे। बोले तुमने टिकट बनाया, बोले हाँ टिकट, बोले दिखाओ टिकट। बोले कितना नंबर था, और 15 नंबर था टिकट। देखा सारे सीट तो भरा हुआ लेकिन 15 नंबर ही खाली। बोले इधर आ जा, इधर आ जा, तेरे को बैठा देता हूँ, कोई उठाएगा नहीं। बोले कोई नहीं उठाएगा, लगता नहीं। बोले उसको लेकर 15 नंबर सीट में बैठा दिया। बोले कोई उठाया तो नहीं, तो बोले कोई नहीं उठाएगा। देखो फिर तो अपना स्थान पर पहुँची गई। देखो इन चीज़ को समझ लो, हमारा जो नंबर है ना, हमारा सीट नंबर 15 है, लेकिन हमने गलत जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे देखो संसार में देखो, एक बच्चा 25 साल तक लिखाई पढ़ाई करता है, 50 साल तक नौकरी करता है, कितने पैसा को इकट्ठे करके कितने खर्चे से एक घर बनाता है, आप बताओ। ये घर में आप रह सकते हो, घर में आपको पास में सारे कागज पत्र, ये घर में रह सकते हो आप, नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम गलत जगह पर बैठा हुए हो। जद्यपि हमारे पास में सारे पट्टा पावती सारे कागज पत्र है, रह नहीं सकते घर में। शरीर छूटते ही आत्मा चलते ही एक घंटा भी किसी घर में तुमको रुकने नहीं देंगे। 13 दिन तक अपवित्र रहेंगे, गोबर पानी छिड़काव कर घर से निकाल देंगे तुमको, फिर दूसरे जीवन में जाएंगे, फिर जन्म लिया, फिर 25 साल से पढ़ाई लिखाई किया, फिर 50 साल तक नौकरी करके बड़ी कष्ट से एक फिर हमने मकान बनाया। क्या ये मकान में रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। एक जन्म नहीं, कितने जन्म से पकड़ रहे छोड़ रहे, पकड़ रहे छोड़ रहे, पकड़ रहे छोड़ रहे हो। बोले कब तक पकड़ोगे छोड़ोगे, बोले जब तक अपना कुर्सी में तुम नहीं बैठ जाए, जब तक अपना सीट में नहीं बैठ जाते हो ना, बैठ ही नहीं सकते हो, यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन हमारा असली सीट में कौन बैठाएगा, बोले ड्राइवर बैठाएगा। बोले ड्राइवर कौन, बोले सदगुरु, सदगुरु यही ड्राइवर है, वो हमें सही जगह पर यही बैठा सकते हैं। वो सदगुरु कहता है भैया ये तुम्हारी घर है नहीं, तुम रिफ्यूज होकर के यहाँ पर आए हो, तुम छोड़ना पड़ेगा ये जगह को। फिर जो सदगुरु उसको भगवान के नाम देते, बोले बेटा ये हरिनाम जप करो, ठाकुर जी के नाम जप करो, फिर तो असली घर में तुम पहुंच जाओगे, अपनी
घर में तुम पहुंच जाओगे, जहाँ जाने पर कभी वहां से वापस नहीं आओगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जत गत्वा नंद कर तत्ते तत धाम पर मम, जहाँ जाने पर जीव कभी वहां से वापस नहीं आता, तो मेरे घर। इसलिए इनका प्रश्न है, भैया ये कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है? बोले हमारे वेद है, ये पुराण गीता भागवत ये विचित्र बात करता है। बोले भैया तू रहने वाले ठाकुर जी के चरण में, ठाकुर जी के चरण ही तेरा घर है, भगवान को भूलने का वजह से यहाँ पर आए हो, अगर वहाँ जाना है ना क्या करो? बोले भगवान का नाम जप करो, बस अपना घर में पहुंच जाओगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण कोई बोल नहीं। देखो इतना बोलोगे ना अपना सही घर पर पहुंच जाएंगे, हम जो भूलेंगे घर में पहुंच जाएंगे। बोले जितने जोर से बोलोगे अपना घर में सही से पहुंच जाओगे, जोर से बोला। बोले बीन है जो बीन में एक बार घुस जाओ ना निकलने का रास्ता नहीं मिलता, कभी वहां से निकल नहीं सकते हो। बताओ तो ऐसे कौन सा बीन है? बोले गुरु जी बीन में घुस जाओगे तो निकल आओगे। बोले नहीं, यही तो प्रश्न है, जो बीन में एक बार घुस जाओगे ना निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। बताओ ये कौन सा बीन? बोले ये घर गृहस्थी, ये घर गृहस्थी है। एक बार फंस गए ना, सोचते हैं हम सोचते हैं भैया लिखाई पढ़ाई हो जाएगी तो चैन मिलेगी। बोले नहीं, फिर नौकरी करो। नौकरी कर लिया, बोले नौकरी करेगा तो चैन मिलेगा। बोले शादी करो, बोले शादी करेगा तो चैन मिलेगा। नहीं, फिर बच्चे जन्म दो। फिर सोचते हैं बच्चे जन्म दे के चैन मिलेगा। नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करो। फिर सोचते हैं अगर बच्चों को लिखाई पढ़ाई कर देना बहुत चैन मिल जाएगा। नहीं, फिर बच्चों के लिए नौकरी दिखो। सोचते हैं बच्चों को नौकरी कर दिया तो गया। बोले नहीं, बच्चों का बच्चा होना चाहिए। देखो सब लोग सोचते हैं बच्चों को शादी करा दो, बच्चों का बच्चा हो जाएगा ना भैया चैन मिलेगी। देखो जब तक बच्चे का बच्चा नहीं होता ना तब तक चैन, अगर बच्चा हो गया ना फिर तक बुरी तरह से इसे फंस जाओगे। अगर घर से निकलने चाहोगे ना बहुत आना करेगी, बोले डोकरी घूमती रहती है कोई काम धाम ना, बच्चे को कौन पकड़ेगा है? ये घूमती रहती है, सत्संग में जाती रहती है, इधर उधर भागती रहती है। कभी ये ऐसे एक दिन है ना जिसमें एक बार फंस जाओ मरने का पहला तक भीत में चैन नहीं मिलेगी। एक बार में एक समस्या जैसे बपड़े होते हैं ना, वो जाल बनाते बनाते इतने बुरी तरह से फंसते हैं, उसी में ही प्राण को त्याग कर देते हैं। बोले भैया ये घर गृहस्थी ऐसे एक दिन है जिसमें घुस जाओ निकलने का तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगी, मरने का पहला तक भी चैन नहीं मिलेगी है। इसलिए श्री नारद जी बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए ये भगवान की तीसरा अवतार है, बोले भगवान की चौथा अवतार किया है? बोले भगवान श्री नर नारायण रूप में ठाकुर जी बद्री का आश्रम पर ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। बोले भैया ठाकुर जी क्यों तपस्या कर रहे हैं? भगवान ने देखा कलयुग का जीव इतना कोई साधन भजन कर ही नहीं सकता, अगर मैं यहाँ तपस्या करूँगा एक बार कोई आए और मेरे दर्शन कर लेना, कहते दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ ये तपस्या क्या फल उसका अपने आप मिल जाएगा। इसलिए अगर कोई बद्रीनाथ जाए ठाकुर का दर्शन करे अपने आप दर्शन मात्र से ही, कहते तपस्या की जो छठवा भाग का फल वो व्यक्ति को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ कौन कौन गए हो हाथ उठाओ तो बद्रीनाथ कौन कौन गए हो? दो चार व्यक्ति गए होंगे भगवान। आप बताओ बद्रीनाथ को जाना चाहते हैं? ठीक से हाथ उठाओ, अगर हाथ कोई नहीं उठा रहे अब जो हाथ उठाएगा ना आप उसको ले जाएंगे बद्रीनाथ में। कौन कौन जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहते हैं, सभी जाना चाह रहे, सभी सभी का नाम लिख लो। देखो एक आसानी, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, देखो पहले पहले लोग जब जाते थे
इतना कठिन मार्ग था, आप लोग सुने होंगे जब लोग जाते थे बोलते थे हमारे साथ किया कर देना, क्योंकि शायद हम वापस नहीं आ पाए, क्यों चल चल करके पहले जाना पड़ता था, वो झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर जाना पड़ता था, इतने कहना रास्ता था। अभी तक अगर 10 दिन में अगर जाओगे तो आप गाड़ी लेकर 10 दिन में दर्शन करके 10 दिन में आराम से ये केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करके आराम से आ जाओ। लेकिन इसके और एक सरल मार्ग है जो एक दिन में केवल चार धाम नहीं, ये पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ, बोले 6 अरब तीर्थ है। लेकिन और एक सरल उपाय है जो एक दिन में जा करके एक दिन में आप ये 6 अरब को दर्शन करके आ सकते हैं। कौन चाहता है एक दिन में ये सारे तीर्थ करना चाहते हैं, एक दिन वाले करवा दो सारे हो जाए, इसका सरल उपाय देखो। जिस समय श्री नंद बाबा, बहुत उन्होंने कोशिश किया था घर में एक लाला की जन्म हो जाए, क्योंकि नंद बाबा का कोई संतान थी, बड़े दुखी थे, एक बेटा जन्म हो जाए, दान पुण्य विद्या कर सब कुछ किया। नंद बाबा ने ये भी मनोवृत्ति की थी, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगा, ठाकुर जी पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ में दर्शन करने जाएंगे, इन्होंने मनोवृत्ति की। अभी ठाकुर भगवान कृष्ण स्वयं नंद के लाला बन करके आए हैं, बोले श्री नंद के लाला की। जब भगवान घर में नंद की लाला भाई, जब कृष्ण थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को लेकर के बोले चलो हम सबके सब पृथ्वी जितने सारे तीर्थ को दर्शन करते हुए हम आए। कृष्ण ने देखा, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो कितना तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास जासी है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन की जो पग पग में किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है। कृष्ण अभी नंद बाबा कृष्ण सोच रहे हैं, भैया मैं राधा रानी की चरण की पग में, और मेरे चरण में तो सारे दासियां हैं, जब ये केदारनाथ कौन है, श्री भोले बाबा ये तो मेरे सेवक हैं, ये जमुनात्री कौन है मेरी सखी है, ये गंगा कौन मेरे चरण से निकली है, ये बद्रीनाथ है कौन मेरे अंश का अंश है, मैं स्वयं जिनका ज्योति। अगर नंद बाबा बोले लाला मेरे ज्योति तुम्हारा ले आ, कृष्ण ठुमक ठुमक करके जाते हैं, हाथ में नहीं उनको जीती को सर पर रख करके बड़े आनंद में कभी आते हैं। नंद बाबा खुश हो जाते हैं, बोले यदि लाला को मैंने कहा जीती ले आ, वो हाथों में नहीं सर पर रख कर दिला रहा है, लाला बड़ा होगा ना, पिता माता बड़ा सुना है, नंद बाबा बड़े खुश हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, ये कहते हैं जाएंगे कहाँ जाएंगे ये चार धाम करने के लिए, अरे तो ब्रज मंडल में सारे तीर्थ है, बोले बाबा कहाँ जाना चाह रहे, बोले सारे तीर्थ जाऊंगा, बोले ब्रज में सारे तीर्थ है केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, बोले कहाँ पर, बोले मेरे साथ में आओ ना, मेरे बेटा बड़ा हो गया ना, बेटा का क्या कर्तव्य है, बेटा का कर्तव्य है पिता माता को सारे धाम ले जाए, सारे पिता माता को सारे धाम कराए, ये बच्चों का कर्तव्य है, पिताजी मेरे साथ में आओ सारे तीर्थ आपको दर्शन कराऊंगा। कृष्ण उनको लेकर के गए, कहाँ पर काम्य वन में गए, वृंदावन में जो काम्य वन में गए, बोले हे ब्रजवासियों हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ का आह्वान करो, आंख बंद कर लो, सारे ब्रजवासी आंख बंद करके सारे तीर्थ का आह्वान किया, आह्वान करते ही पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ थे 6 अरब तीर्थ सबके सब वहीं पर प्रकट हुए, सबके सब वहीं पर प्रकट हुए, और नंद बाबा ने वहीं पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री मान सरोवर सबके सब जितने तीर्थ लक्ष्मण जिला तो सबके सब वहीं पर उन्होंने दर्शन किया है। अभी भी सारे तीर्थ वहीं पर है, अगर कोई ब्रज में जाए काम्य वन में श्री चले जाए ना, आपको एक दिन में अगर सवेरे यहाँ से निकलोगे, अगर सवेरे यहाँ से निकलोगे ना दर्शन करके पूरा शाम को यहाँ वापस आ सकते हो। कौन कौन जाना चाहता है बोलो, कम पैसा में एक दिन में सारे तीर्थ दर्शन कर,
भगवान ने अपना पिता माता को ब्रजवासी दर्शन किया ब्रज में, ये सारे तीर्थ ब्रज में, प्लस ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकार ठीक से नहीं बोले, जोर से बोलो बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी की जय, जय जय श्री राम। जब उन्होंने सारे अवतारों का नाम लिया है, उन्होंने नाम लेते लेते मत्स्य कुरुमा ग्रह नृसिंह बामन परशुराम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि, उन्होंने 26 अवतार का नाम लिया। लेकिन लेते लेते उन्होंने भगवान बांके बिहारी को भी बोले कि जो बांके बिहारी ना यही एक अवतार है। शुद्ध गोस्वा में डर गए, बोले क्यों? बोले भैया कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं। बोले फिर ये कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार हुए हैं। इसलिए कृष्ण गीता में जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, भगवान उसको विराट रूप दिखाए, अर्जुन देख मैं कौन हूँ। बोले मत कर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं। भगवान उदाहरण देते हैं, मैं सर्वविदम प्रथम सूत्र मही बनाई, हाँ मेरे तरफ से देखो भगवान क्या समझाए। जैसे देखो ये एक माला है, ठाकुर जी समझा रहे हैं ये एक माला है, लेकिन इसमें जो एक एक फूल एक माला बना हुआ है, लेकिन इसमें धागा आपको दिख रहा है? नहीं। अगर ये धागा को तोड़ दो फिर ये माला रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए भगवान कहते मई सर्वविदम प्रथम सूत्र मही बनाई, हे अर्जुन जैसे एक फूल को एक एक दे करके बीच में एक माला बनाते हैं, लेकिन उसमें धागा ही मूल है, उसी तरह विश्व ब्रह्मांड का जो मूल मैं हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड ये सब के सब मेरे अंदर में विद्यमान, मेरे से कोई परतत्व नहीं। देख और जो देखो आप लोग भी ये चीज को समझो, भगवान दिखा है, देखो जो तुम जिसको शंकर कहते हो, देखना भगवान की कहीं पूजा थी तो देखना, देखना उसमें भोले बाबा भी है, क्या देखो भोले बाबा मेरे नहीं है। देखो जिसको तुम हनुमान कहते हो, देखो हनुमान मेरे नहीं है। जिसको तुम माँ देवी कहते हो, देखो माँ देवी मेरे नहीं। जिसको तुम गणेश कहते हो, देखो गणेश मेरे नहीं। जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो, देखो ये 33 करोड़ देवता मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए कृष्ण लास्ट में जाकर कहते हैं, अर्जुन सर्व धर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, तू सब छोड़ करके तू मेरे शरण, मेरे शरण में आ जा। अर्जुन कहता है प्रभु फिर पाप नहीं लगेगा, इतना दिन से इसको पूजा कर रहा था, उसको पूजा कर रहा था, इसको पूजा कर रहा था। बोले भैया 33 करोड़ जगा देंगे, दिन में अगर 1 करोड़ को पूजा करो तो 30 दिन में 30, फिर 3 करोड़ बाकी रहेंगे, फिर कितने मनाओगे? एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा, दूसरे को मनाओ तीसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा, फिर कितने को मनाओगे तुम, कितने को तुम मनाओगे? लेकिन जब भगवान कहते जब तुम मेरे शरण में आ जाओगे, सारे पाप से मैं छुटकारा दिला दिलाती हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे नहीं है। इसलिए उन्होंने 2 उदाहरण देकर समझाए। पहला उदाहरण दिया जैसे एक पेड़ है, अच्छे तरह से समझेंगे ये चीज को, नहीं तो हम भी इधर उधर भटकते हैं। जैसे एक पेड़ है, अगर पेड़ का जड़ में पानी डाल दो फिर उसका पत्ते फल फूल में पानी देने का जरूरत है? नहीं। जब जड़ में पानी डाल दिया ना पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दिया, दिन भर फल में पानी दे रहे हो, दिन भर फूल में पानी दे रहे हो, दिन भर टहनिया पत्ते में, दिन भर उसको धो रहे हो, लेकिन तुम जड़ में पानी नहीं दे रहे हो, बताओ ये पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? बताओ ये जिंदा रहेगा कि नहीं? पेड़ जिंदा रहेगा? जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग ने रामायण सुने देखे होंगे, जब श्री हनुमान जी को ये मेघनाथ, अच्छे तरह से चीज को समझो, जब मेघनाथ ने हनुमान को बांध करके ले गया, हनुमान जी देखा उसको जो पिता पवन कुमार उसके घर में झाड़ू लगा रहे हैं, बोले हे भगवान अरे पिता झाड़ू लगा रावण के घर में। अग्नि देवता ने देखा उसको कपड़ा धो रहे था, बोले हे भगवान अग्नि यहाँ कपड़ा धो रहा है। ब्रह्मा जी को देखा वेद सुना रहा था, और काल को तो देखा उसने प्यार को नीचे काल को धोवा करके बैठा हुआ। जो जितने ये शनि रवि ग्रह जितने सोम मंगल बुध जितने ग्रह को अब रामायण में देखे होंगे ना, देखना चारों तरफ के सारे ग्रह
सबको रावण बांध करके रखा है, किसी को उसने छोड़ा नहीं। जब हनुमान जी वहां पर गए, सबके सब हनुमान को प्रणाम किया, बोले ये दुष्ट से हमें निकालो, ये दुष्ट से मेरे को मुक्ति दिलाओ, हनुमान से प्रार्थना किया है। सबको उन्होंने सब बांध कर रखा था, लेकिन विभीषण ने किसी को संतुष्ट नहीं, केवल प्रभु राम को संतुष्ट किया, केवल राम को विभीषण ने संतुष्ट किया था। रावण ने सबको बांध कर रखा था, लेकिन सबके सब रावण समेत लंका समेत ध्वंस हो गया, केवल एक व्यक्ति वहां पर बच गया, केवल विभीषण बच गया। क्यों? प्रभु राम की शरण में गया था। इसलिए कहते अगर 33 करोड़ देवता को संतुष्ट नहीं कर लोगे ना, अगर प्रभु राम को संतुष्ट नहीं किया तो कोई तुमको बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर प्रभु राम प्रभु कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए ना, कितना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, ये चीज को समझो। जैसे मुंह में आहार करने से सारी इंद्रियां सतेज रहती हैं, अगर मुंह से खाना नहीं दिया, कान में दाल डाल रहे हो, हाथ में चावल दे रहे हो, शरीर नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन मुंह में आहार दो पूरा शरीर सचेत रहेगी। उसी तरह जब प्रभु कृष्ण शरण में राम शरण में चले जाएंगे, उसको ऊपर में 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाएंगे, सब अपने आप खुश हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने देखे मेरे प्रभु की शरण में, मेरे प्रभु की शरण में गए। इसलिए सबको सम्मान दो, किसी को असन्मान मत करो, लेकिन हृदय में ना कहते मेरे तो गिरिधर गोपाला बोलो, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना कोई। जब उद्धव जी गोपियों को उपदेश देने के लिए गए, उद्धव जी गोपियों को कह रहे हैं, तभी ये चीज को समझो। उद्धव जी गोपियों को बोले गोपियां कृष्ण कहां नहीं है, वो तो घटघटवासी सर्व जगह में विद्यमान है, उसको जहाँ याद करोगे तो वहीं आएगा। गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध बीस, मन दस बीस थोड़ी है, मन तो एक ही है ना, वो मन तो कन्हैया को साथ नहीं गया हुआ है। कृष्ण जब से ब्रज छोड़े ये मन तब से उनको साथ में चला गया। बताओ ध्यान तो मन से होता है ना, लेकिन मन तो एक ही है ना, मन एक ही है। इसलिए एक मन में हम जिसको पूजा करेंगे ना, एक को ही कर सकते, दो को नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे एक को करो जिसकी एक को करने पर ये सब को हो जाएगी। ये श्री बांके बिहारी है, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोले जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल, जय जय श्री काली कंगी वाला मेरा यार है। हम लोग बड़े समय से बैठ बैठ के ना, हम लोग प्यार दुख रहा है, प्यार दर्द हो गया, थोड़े समय के लिए टांग को सीधा कर लो, खड़े होकर के भगवान का कीर्तन अपना नाच लो, टांग सीधा हो जाएगा, फिर अच्छे तरह से बैठ करके फिर कथा सुनना, ठीक है? सब खड़े हो जा, खड़े होकर के कथा सुनना। काली कंगी वाला मेरा यार है, तेरी मन का सुंदर है, काली कंगी वाला मेरा यार है।
Sridhar Maharaj.
श्रीमद् हरी की जय। श्रीमती बिहारी लाल की जय। सभी बैठ जाएं। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सम्राट ऋषि ने सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, जैसे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो कथा में आओ, बोले भैया हमारे बहुत बड़ा काम है, मेरे पास में कथा सुनने का समय नहीं है। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, वो परीक्षित महाराज उसी समय में ये संपूर्ण पृथ्वी को पर राजत्व कर रहे थे, वो सप्तदेवी पृथ्वी का राजा थे, वो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन इन्होंने सब छोड़ कर उन्होंने कथा सुनने दिया। और श्री सुखदेव गोस्वामी जो उसकी वक्ता थे, वो किसी गृहस्थी के घर में उतना समय तक टिकते थे, एक एक गो दोहन करने में जितने समय लगते हैं उसे ज्यादा नहीं टिकते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो मुंह खोले हैं ना, वो 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं था। अभी जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, वो सुखदेव गोस्वामी ऐसे कथा नहीं सुना, वो 24 घंटा ही कथा चलती रही, पूरा के पूरा 7 दिन तक कथा सुनते रहे। और बीच में कोई पानी नहीं पीना, पेशाब के लिए नहीं जाना, कुछ के लिए नहीं जाना, पूरे के पूरे उन्होंने कथा सुनी। इसलिए आप कृपा करके बताओ ये व्यास देवजी ग्रंथ क्यों लिखे, और ये ग्रंथ लिखने का कारण क्या था, और लिखे क्यों, किस लिए लिखे, ये प्रश्न सुन करके श्री सुत गोस्वामी ने कहा, पर ये कलयुग प्रारंभ होने जा रहा था, व्यास देव जी भगवान की सत्याव्यता बता, अपना दिव्य दृष्टि से देखा, ये कलयुग आने वाला, लोगों का बुद्धि धीरे धीरे ह्रास होते जाएगी, इनका स्मरण शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, क्योंकि पहले सब चीज़ प्योर चीज मिलती थी, इसलिए लोग बड़े बुद्धिमान होते थे। फिर दूसरी बात, ब्रह्मचर्य पालन करते थे। शास्त्र में बताया जो व्यक्ति 25 साल तक अपना ब्रह्मचर्य पालन करे ना, जो कुछ एक बार सुने उसको याद रख ले। लेकिन कलयुग में ये स्मार्टफोन, इंटरनेट, उल्टा पुल्टा टीवी आ करके ना, ये तो बुद्धि सब का भ्रष्ट कर दिया है। 13-14 साल बच्चों के गर्भ में बच्चा हो रहा है इसलिए, इसलिए देखा ये कलयुग में बड़ा अनर्थ होने वाले, सब कुछ उन्होंने दिखा, ये भविष्य पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है, ये कलयुग में क्या होने वाले, कैसे सबके सब भ्रष्टाचार हो जाएंगे। पहले तो एक असत्य मिलना बड़ा कठिन था, कलयुग में एक सत्य मिलना बड़ा कठिन होगा, एक सत्य मिलना कलयुग में बड़ा कठिन होगा। उन्हें दिव्य दृष्टि से अभी जो कुछ हो रही है, वो पहले व्यास देव जी ने सब कुछ उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया, देख करके उन्होंने एक ब्रह्म, एक था वेद, एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद को प्रकाशित किया, ब्रह्म सूत्र को बनाया, फिर उन्होंने देखा स्त्री शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर पंचम वेद श्री महाभारत को ग्रंथ रचना की। लेकिन ये सब रचना करते बावजूद भी इनको शांति नहीं मिली, बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे। तब श्री नारद जी आए, नारद जी बोले व्यास लगता है तो बड़े दुखी हो, बोले गुरु जी आप सही बता रहे हैं, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ तो बनाया, लगता है अंदर से कुछ कमी है, आप तो गुरु है, गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकार रुकार निरभता, जो हमारी हृदय की अज्ञान को दूर करके हृदय में दिव्य आलोक को जो प्रकाश कर दियो गुरु है, इसलिए गुरु जी आप कृपा करके बताओ। तब श्री नारद जी बताए, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्ज्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जिनवर्णित। बोले व्यास तुमने दूसरे दूसरे धर्म को, दूसरे दूसरे पुराण को, दूसरे दूसरे देवता को जितने बढ़ा चढ़ा करके तुमने वर्णना किए हो, लेकिन तुमने आत्मा धर्म के बारे में सही नहीं बताया, भगवान कृष्ण राम की कथा को दिल खोल करे तुमने बताया नहीं, इसलिए तेरे को शांति नहीं मिल रहा है। तुमने जो पुराण बनाया ना, ये भविष्य में बड़े लड़ाई होने वाले हैं,
क्योंकि जो शिव पुराण पढ़ेगा बोले सत्यम शिवम सुंदर मृत्यु बड़े ही नहीं, जो देवी पुराण पढ़ेगा बोले जगदम्बा माँ जननी सबको के लिए कोई बड़े नहीं, जो हनुमान जी की महिमा पढ़ेगा बोले भैया हनुमान से कोई बड़े ही नहीं, भगवान राम को सर्व लेना चाहिए, जो गणेश जी की पुराण पढ़ ले बोले भैया सबसे पूजा उनकी होनी चाहिए, लड़ाई बड़ी लड़ी लड़ाई झगड़ा बड़ी लड़ाई, इसलिए अब तुम ये भागवत ग्रंथ लिखो, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव वो ईश्वर का ही अंश है, जब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं जाए कृष्ण राम की शरण में नहीं जाए तब तक जीव को शांति मिलने वाले नहीं। इसलिए हमारे भारत में देखना भले ही जिंदगी में जिसको पूजा करना कर लो लेकिन जब शरीर छूटेगा यही बोलेंगे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है सबकी बात झूठा है, बोले तुमने राम कृष्ण के जितने नाम लिया वही जा रहा है और जितने पूजा इधर उधर किया सब झूठे में तुमने बिताया, भैया जब झूठा ही है तो पहले से झूठे तुम छोड़ने मक्के नहीं छोड़ रहे हो, सच को तो पहले पकड़ो, इसलिए बड़ी लड़ाई होगी। अब ये भागवत ग्रंथ रचना करो जिसमें शुद्ध रूप में भगवान भक्त और भगवान इनकी बात बताओ और दूसरे दूसरे बात को छोड़ दो, केवल शुद्ध रूप में भगवान और उनकी शुद्ध भक्तों को चरित्र बताओ। अब तुम ये बताओ भगवान भक्तों का प्रेम में कैसे बसे होते हुए भगवान होते हुए भी सखाओं को घुटन खाते हैं ठाकुर, ठाकुर घुटन खाते हैं, भगवान होते हुए भी मैया जसोदा कन्हा को घुटन में बांध देती है, विश्व ब्रह्मांड जिनको नचाते हैं लेकिन कृष्ण अगर कभी मक्खन चोरी कर लिया ना मक्खन खा लिया, मैया ने पूछा लाला तेने मक्खन खाई, मैया की डर से बोलते थे बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मैंने मक्खन नहीं खाए, अगर कभी मीठी खाते हैं ना मैया सीधा कान पकड़ देती है बोले क्यों लाला घर में मक्खन मिश्री की कमी है, तो दूसरे दूसरे घर में मक्खन चाह करके मिट्टी खाते हो, कृष्ण डर जाते हैं मैया की डर से, और भगवान होते हुए भी गोपियों को सब करोड़ों गोपियों को साथ में प्रभुराज रचाए। अभी प्रभु की सुंदर सुंदर लीला वर्णन करो इसी सही आत्मा को शांति मिलेगी। तब श्री नारद जी बोले देखो केवल मैंने जो इतने बड़े संत बनाए ना केवल संतों की सेवा करते हुए और कोई कारण नहीं, संत कृपा संतों की प्रसाद संतों की सेवा से मैंने इतने बड़े संत बना, मैंने किसी गरीब घर में जन्म हुआ था चातुर्मास महीना में कुछ संत गांव में आए मेरी मैया संतों की सेवा की, अभी मैया जो करेगा बच्चे तो वही कर लेंगे क्योंकि पहला गुरु कौन है, पहला गुरु कौन है पिता माता, पहला गुरु पिता माता, सबसे पहला संस्कार ये पिता माता की, सबसे पहला संस्कार पिता माता की पड़ेगी, अगर माता जी भजन करती है पिताजी भजन करते हैं तब तो लाला भजन करेगा तब तो बच्चा भजन करेगा, अरे खुद भजन नहीं करते स्मार्टफोन लेकर तीन बार पड़े हो तीन बार टीवी खोल कर बैठ रहे हो तो बच्चे में संस्कार क्या पड़ेगा, संस्कार पड़ेगा नहीं, इसलिए बच्चों को बड़ा बनाने के लिए पहले पिता माता को अपना स्वार्थ को भी त्याग देना पड़ेगा तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए क्या करो बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार डालो और बच्चों को पहले दो लाइन सिखाओ, क्या दो लाइन सिखाओगे कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और माँ तो पी तो गुरु न मोहि माता, ये दो लाइन को लिख करके ले जाओ, लिख करके लेकर के बच्चों को पहले ये दो लाइन पढ़ाओ, बच्चों को पहले दो लाइन पढ़ाओ, लेकिन देखो अभी हमारी प्रभु जी बता रहे थे उन्होंने किसी बच्चे को पूछे, देखो ध्यान देकर सुनो, उन्होंने किसी बच्चे को पूछे बताओ तो कृष्ण जी का पिताजी का नाम क्या था, बोले पता है, बोले राम जी का पिताजी का नाम क्या पता है, बोले पता है, बोले ये अमुक हीरो का नाम क्या था, झट बोल दिया, झट बोल दिया, बोले अमुक हीरोइन का नाम क्या था, झट बोल दिया, बोले अमुक प्लेयर का नाम क्या था, झट बोल दिया बच्चा ने, लेकिन हम हिंदू हैं उसको बोले भैया राम का पिताजी का नाम कृष्ण का पिता उसको पता ही नहीं, ये तो कितना दुर्भाग्य देखो, देखो मैं एक समय जयपुर में कथा करने के ध्यान देकर सुना, मैं जयपुर में कथा करने के लिए गया था, मैं जब आ रहा था देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, एक छोटा बच्चा था 5 साल का, मैंने उससे पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, उसने एक नाम जो बताया उससे पता चला ये मुसलमान, पता चला ये मुसलमान, मैं वो बच्चे को पूछा
तेरे को पुराना आता नहीं। वो बच्चा छाती पीट करके छाती फुला कर बोले हाँ पुराना आती है। बोले बताओ, वो झटाझट पुराना बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी मुसलमान धर्म में इतने साल उम्र में ये कुरान पढ़ाया जाता है। बोले हमारी धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। 2 साल उम्र में बच्चों को कुरान सिखाते हैं। आप देखना शुक्रवार का दिन बच्चों को टोपी पहना करके हमारे मुसलमान भाई लोग रोड को जाम कर देते हैं। बच्चों को लेकर के रोड में बैठा करके बच्चे को ले जाते हैं और बैठा करके रोड में कुरान पढ़ाता है। बताओ तो हमारे हिंदुओं में एक व्यक्ति हाथ उठाकर बोल दो जिसने अपना बच्चे को गीता का कोई श्लोक याद कर दिया। बताओ हमारे हिंदू में कौन जो अपना बच्चे को कोई गीता का ऐसा श्लोक सिखाया, रामायण का कोई प्यार सिखाया, बेटा रामायण पढ़ो और भागवत गीता पढ़ो, कोई बताते हो? नहीं। तो हमारी संस्कृति कहाँ रहेगी? हिंदू कब कहलाएंगे? जब टोपी हो, गला में कंठी हो, माला हो, तब तो हम हिंदू कहलाएंगे ना। क्या करे, हिंदू घर में जन्म लेने से हिंदू हो जाएगा? नहीं होगा हिंदू होने से। जब तक हिंदू धर्म को हम आचरण नहीं करेंगे वो बन ही नहीं सकते हैं। अब देखो और एक चीज को समझो, हम ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए गए थे। आप लोग सुने होंगे ये न्यूज पेपर में कुछ कथा आई थी। ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो, एक काम की बात है। एक व्यक्ति 2 बच्चे को उन्होंने डॉक्टर बनाने के लिए अमेरिका भेजा। मतलब बच्चे डॉक्टर भी पढ़े, दोनों बच्चे डॉक्टर भी पढ़ लिया। अभी उन्होंने बचपन में उन्होंने छोड़ दिया ना पढ़ाई ये करने के लिए, अभी उसने वही की संस्कार उनको क्या हो गया, एक मेडल के लिए इतना करते हैं। बस वृंदावन बिहारी लाल की, इधर बैठो, मेरे ऊपर देख कर डर, ध्यान देख रहे सुना। अभी दोनों बच्चे अमेरिका में डॉक्टर भी पढ़ लिए तो बचपन में भेज दिया वहीं पर, वहीं के संस्कार पढ़ा उसको, बच्चे को ऊपर संस्कार पढ़ा, तो दोनों बच्चे डॉक्टर भी पढ़ करके आए भारत में। कि ग्रेटर नेता ही कथा है। और पिताजी की बहुत सारी संपत्ति थी। बोले पिता माता को बोले देखो हम दोनों बच्चे अमेरिका में सेटअप हो गए हैं, आप यहाँ पर दोनों रह कर क्या करोगे, सारे संपत्ति को बेचो और हमारे साथ में अमेरिका चलो। बोले अच्छी बात है। पिता माता खुश हो गए, करोड़ रुपया की संपत्ति को उन्होंने बेचवा दिया। बोले चलो अमेरिका चलो। अभी अमेरिका ले गए, अमेरिका कहाँ ले गए, एयरपोर्ट में ले गए। एयरपोर्ट में ले करके पिता माता को एयरपोर्ट को सामने खड़े कर दिए। बोले यहीं पर खड़े रहो, ट्रली ला रहे हैं सामान लेने के लिए। 10 मिनट ही हो गया बच्चा नहीं आया, 20 मिनट ही हो गया बच्चा नहीं आया, आधा घंटा हो गया बच्चे नहीं आए, 1 घंटा हो गया बच्चे, 2 घंटा 3 घंटा हो गया बच्चे आए नहीं। बोले बच्चे गए था, उन्होंने फोन लगा कर देखा दोनों बच्चे ही चले गए, अमेरिका चले गए। पिता माता की सारे संपत्ति को बेचवाया, बेचवा करके 1.25 करोड़ रुपया को लिए और उनको मेन रोड में खड़े करके दोनों बच्चे सारे पैसा लेकर बच्चे चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। भैया बच्चों को इतने पढ़ाया मत करो जो तुम्हें मेन रोड में खड़े करके संपत्ति बेचवा करके अमेरिका चले जाए। जब हम बच्चे को जोर जबरदस्ती पढ़ाई सिखा सकते हैं, क्या बच्चे को रामायण नहीं पढ़ा सकते हैं? बेटा तू एक माला जप कर, नहीं तो गीता पर रामायण पर, जो बेटा रामायण पढ़ेगा ना, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है प्रात ऊठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता। ये श्रवण कुमार की कथा सुनेगा, कैसे श्रवण कुमार अपना कंधे पर पिता माता को लेकर सारे तीर्थ उन्होंने कराया, सारे तीर्थ उन्होंने कराया। जब रामायण बच्चा पढ़ेगा तब तक संस्कार बनेगा ना, ना कि पढ़ एटीएम कार्ड बना दो बच्चे को। इसलिए ये चीज को याद रख करके जाओ, बच्चे को बोलो एक माला जप कर, 5 मिनट एक भगवान के नाम जप करके, रामायण पढ़ करके, नहीं तो गीता पढ़ करके स्कूल जा। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है लेकिन संस्कार को साथ में बच्चों को पढ़ाओ। ऐसे नहीं पढ़ाते इतना पढ़ा दिया हम दुनिया जाते हैं, सारा दुनिया एक ही बात करते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अब बताओ तो किसका बच्चे बात सुनते हैं? बताओ, भगवान राम तो 14 साल के लिए वनवास गए पिता की आदेश पालन करने के लिए। अपना बच्चे को बोले 14 दिन के लिए चले जाएगा बेटा, मन मर्जी घूमने जा सकता है, 1 दिन भी तुम्हारी आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा। कारण है हम बच्चों को अंदर में कोई संस्कार नहीं देते हैं, कोई गीता रामायण नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, तभी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं।
इसलिए पढ़ाई दो साथ में उनको गीता रामायण भी पढ़ाया करो, ठीक है ना। कौन बच्चे को बोलेगा एक एक माला जप कर, स्कूल जाने से बोलना एक माला जप करके स्कूल जाया कर बेटा, कम से कम संस्कार तो पड़ेगा, उसके अंदर संस्कार तो पड़ेगा। गीता का तो बोले श्लोक पढ़ो, 5 मिनट लगेगा, अगर वो संस्कार बनेगा ना, देखना आपकी जरूर आपकी सेवा करेगा है। भले ही फूट नहीं खाएगा तो पिता माता को पहले खिलाएगा, ठीक है। इतना सीख करके जाओ कम से कम। बसी वृंदावन बिहारी लाल की, लेकिन बेटा कब करेगा, खुद करोगे तब तो बेटा करेगा ना। पहले पिता माता को रामायण किताब पढ़नी चाहिए, पहले पिता माता को हरिनाम करनी चाहिए। तुम खुद करोगे तभी बच्चा तुम्हारी करेगा, अगर खुद नहीं करोगे बच्चे को बोलते बोलते हार जाओगे, बच्चा एक ही बात तुम्हारे नहीं पालने करेगा। क्यों, बच्चा बोलेगा तू तो खुद नहीं करती, तू तो खुद हरिनाम नहीं कर रहे, मैं क्या हरिनाम करती, तू खुद रामायण नहीं पढ़ती हो, मैं क्या करूंगा। इसलिए पहले करो और दूसरों को भी सिखा दो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे बताए। जब नारद जी चले गए व्यास देव जी बोले भक्ति जोगे न सन्नत प्रणीत मले अपस्याम पुरुषं पूर्णं मायांच तत अपाश्रये। नारद जी भक्ति योग समाधि के द्वारा समाधिस्थ हुए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन में दर्शन दिया है, दर्शन करते हुए उन्होंने ये सुंदर भागवत ग्रंथ बनाया। बोले भैया ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बना दिया, लेकिन ये ग्रंथ तो पढ़ाई किसे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इनका जो बच्चा था वो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी बनकर चले गए, बोले उसको वापस कैसे लाए, क्योंकि चार चेले थे। चार चेलों को बोले देखो मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, पकड़ कर ला सकते हो। बोले पिताजी जंगल में बहुत सारी तोते हैं, हमें क्या पता है जंगल में आपका तोता कौन सा तोता है। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, एक मैं मंत्र सिखा देता हूँ और तुम चार चले है ना, तुमको चार ही मंत्र सिखा देता हूँ। ये मंत्र को बीच बीच में बोलते रहना और ये मंत्र सुन करके अपने आप जो तोता पकड़ में आएगा वो समझना ये मेरे तोता है। बोले ऐसे मंत्र, बोले हाँ। तो उन्होंने पहला चले को उन्होंने मंत्र सिखाया, ये मंत्र कौन सा मंत्र है। बोले राधा रानी स्वयं कहती हैं श्री बांके बिहारी कितने सुंदर, हमारे कान्हा लाला कितने प्यारे हैं, ये पहला उनको श्लोक है। बोले बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती च माला रंध्रान बेनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। मतलब कृष्ण कितने सुंदर हैं, कहते हैं ना बांके बिहारी की देखे छटा देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देखे छटा ओ देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देखे छटा देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा, गुंदरा गुंदरा मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा 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 लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा।
चार साल से। पर आप लोगों का भाव देखकर ये नहीं लगता कि आप 4 साल से कथा सुन रहे हैं, ऐसा लगता है पहली बार कथा सुन रहे हैं। महाराज जी ने कितनी बार कहा है, कितनी बार कभी जब भी भगवान का भजन कीर्तन हुआ करे तो ताली बजा कर जिनको नाचना आता है वो नाच करके। अब आप लोगों से बार बार थोड़े बोलना पड़ेगा भाई, कब तक ताली बजा बाकी बिहारी की देख छुटा देख छुटा। इसलिए कृष्ण बड़े सुंदर है, पहला ये चीज देखोगे।
दूसरा चिन्ह क्या देखेंगे? फिर दूसरा चेला ने बताया, भैया देखने में तो बड़े सुंदर है लेकिन इनकी कोई कमाता धमाता की नहीं। दूसरे चीज देखोगे, भैया कोई कमाता धमाता की नहीं। एक चीज देखोगे ना, ऐसे नहीं बेटी बदलेंगे, बेटी तो भूखी नहीं रह जाएगी। दूसरे चेला ने बोल दिए, अरे जयती जन्म प्रजा शाश्वत क्या, तो उसकी ऐश्वर्य वो जहाँ पर रहता है ना वृंदावन में, वहाँ का जो भूमि चिंतामणि, वहाँ का जितने वृक्ष कल्प वृक्ष जो वहाँ को वही मिलेगा। वहाँ जो पानी है ना, वो पानी नहीं अमृत है। अगर वृंदावन में कोई चलते है ना, लगता है कोई नाश्ता है। अगर कुछ बोलते हैं, लगता है बड़े सुंदर भजन गा रहा है। वहाँ का कर्ण कर्ण में चिंतामणि है, एक लक्ष्मी नहीं, जहाँ पर हजार लक्ष्मी झाड़ू लगाते हैं, लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करते हैं। भैया अगर बेटी को दोगे ना, वो माला मार ले, चिंता मत करो। अभी तीसरा गुण बोले, देखने में समझा खूब पैसा। तीसरा गुण है क्या, तो भैया उसका परिवार कैसे कैसे नहीं, सास ससुर बड़े लड़ाकू हो, ननद बड़े लड़ाकू हो, भैया बड़े क्रोधी हो, फिर तो क्या होगा, बेटी भाग कर चली जाएगी। बोले उसका परिकर उसका परिवार क्या है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। बोले उनका परिवार, पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या है, बोले आनंद दयती थी नंद, जो सबको आनंद प्रदान। बोले मैया का नाम क्या, बोले जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो जस दे। बोले भैया का नाम, बोले दाऊ दयाल, दाऊ दयाल मतलब जो जेठ है ना, श्री दाऊ भैया। बोले भैया बड़े सुंदर है, परिवार भी बड़े सुंदर है। हाँ चौथा चीज बताए, देखने में सुंदर, पैसा भी हुए, परिवार भी बढ़िया, लेकिन जो चौथा चीज है ना बड़ा महत्व है। अगर वो बच्चा बड़ा क्रोधी हो, बड़ा क्रोधी हो, बात बात पर हाथ उठाता है, मारता है, दिन भर पी करके पढ़ा रहता है, हैं? फिर आप बेटी आप शादी दोगे, बोले भैया जरूरत नहीं, तेरे पैसा तेरे पास में है। इसलिए चौथा प्रश्न किया, उसका नेचर कैसे है। चौथा चेले ने बोल दिया, भैया कन्या की भाग्य विहार का नेचर सुनोगे? बोले अहो भैया मुस्तन काल कूटम, उसका इतने बढ़िया नेचर है, जो पुतना जब गई थी मारने के लिए, उसका नाम थी पुतना। पुतना मतलब क्या, कूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो अपवित्र गंदी राक्षसी बच्चों को खून पीते थी और भगवान के लिए लेकर जहर लेकर गई थी। लेकिन हमारे भाग्य भी हम इतने दयालु, इतने दयालु, बोले गुण अवगुण प्रभु देखो, ठाकुर जी तो किसी अवगुण का प्रति नजर नहीं देते हैं, जो अच्छे गुण उसको प्रति देखते हैं। उसने कल नाटक उसने की थी, क्या नाटक की थी, बोले जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार देना चाहिए। वाह कृष्ण की नमी नहीं जुड़े और उसको गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में उसको स्थान दे दिया। जब सुखदेव गोस्वामी इतना बात सुने, वहीं से भगे हाथ उठा करके, बोले भैया बांके बिहारी को छोड़कर और किसको भजन करेंगे, जो इतने दयालु इतने कृपालु श्री बांके बिहारी। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कहते भागवत का जो भक्त आई है, बोले भागवत का श्रोता तो, बोले भैया श्रोता भी साधारण नहीं, परिचित है। यहाँ पर श्री महाभारत की कथा थी, जब ये महाभारत की कथा में कहते भैया ये महाभारत क्यों हुई। हाँ देखो ध्यान देखो सुना, बोले महाभारत दो कारण से भी हमारे घर में महाभारत होती है, तो महाभारत हुई थी क्यों, देखो कारण था महाभारत का, दो कारण था। पहला कारण है देखो माता माताएं ध्यान देखे सुनी थी, पहला नंबर में द्रौपदी थोड़ी सी जीवा उन्हें चला दी। हमारे गुरु जी कहते थे कि ना सब चीज में हड्डी है, जैसे अंगुल में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, पैर में हड्डी चलते हो, कमर में हड्डी बैठे हो, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं है। बताओ तो उसमें हड्डी नहीं, माताएं जोर से बोलो, हाँ ये जीव में हड्डी नहीं, हर समय लपर 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 कथा में भी देखो बैठ हुई बात करते हो।
ये दिन भर ये जीवा है ना हाथी नहीं है ना, जो चीज सीधा हो तो सही चलती है, वो हाथी नहीं होने का सबसे बोलना चाहती है। इसलिए भैया जो जीवा है ना, जितने लड़ाई का ही काम है, जितने घर में लड़ाई का, द्रौपदी ने थोड़ी सी जीवा चला दी, क्या चला दी, बोले अंधे का बेटा अंधा होता, बस इतना बोल दिया। दुर्योधन को इतना क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, मजा चढ़ा दी ना तेरे को। उसने द्रौपदी की वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश की और भीम अर्जुन को क्रोध आया तो पूरा मार। फिर माता सीता ने रामायण की कविता में कही है, भैया सीता ने थोड़ी जीवा चला दी, जिस समय मारी चली हिरण धर करके आया और माँ सीता ने राम को बोले हिरण को पकड़ के ला दो, राम गए लक्ष्मण को बोले देख लक्ष्मण खबरदार चारी तरफ में राक्षस रहते हैं, कभी अकेले सीता को छोड़ करके नहीं जाते, बोले नहीं भैया, लेकिन वो तो हिरण नहीं वो तो राक्षस था। जब भगवान बाण मारे इतने में मारी चली जोर से चिल्लाया बोले भैया लक्ष्मण। सीता ने बोली तुमने सुना तेरे भैया बड़े तो विपत्ति करी है, लक्ष्मण को पता भगवान राम कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, बोले भैया को पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ। सीता ने इतनी सी बात बोल दी, अभी मैं समझ गई हूँ तो साथ में क्यों आया था, तो ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो मेरे से शादी कर लोगे, वो तो माता सीता को अपना माँ मानता है, ये बात कब सुन सकता है, सुन नहीं सकता। उसने किया कि सहन नहीं कर पाए, उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया, बोले माँ कभी भी ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, बोले ठीक है। जब लक्ष्मण गया बास रावण आए और सीता ने क्या किया, ये लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, ये लक्ष्मण रेखा को उसने पार कर दिया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, माताओं के लिए शिक्षा देते हैं, देखो देखना घर में इसलिए लड़ाई, घर में कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी ये सीख हो गया, थोड़ी सी सीख हो गया, थोड़ी सी जीवा, थोड़ी सी इधर उधर बात निकल गई, देखना भाई भाई में बहु बहु में घर घर में महाभारत शुरू हो जाती है, सारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, हाँ केवल ये जुआ चलने पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए माताओं को शिक्षा देते खबरदार कभी भी ये जुआ को चलाना नहीं है, चलाना नहीं। अब दूसरी बात है, देखो माताओं को और एक शिक्षा दी, कहते भैया कभी अपना लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा को पार मत कर, मतलब के अपना मर्यादा को कभी उल्लंघन मत करो, नहीं तो रावण उठा कर ले जाएगा। बोले त्रेता युग में एक रावण था, अभी घर घर में रावण है, अभी घर घर में रावण है, इसलिए कहते अगर मर्यादा रेखा को पार करोगे तो रावण उठा कर हमें ले जाएगा। इसलिए कभी अपना अकेले माताओं को कभी बाहर नहीं जानी चाहिए, बचपन में पिता को साथ में, जवानी हो गई पति को साथ में, वृद्ध हो गए तो बच्चे को साथ में। स्त्रियों के लिए हर समय बताया अपना अधीन में रहो, उसको कोई पार मत किया करो, एक रावण हम उठा कर ले जाएगा, अभी घर घर में रावण है, मानते हो कि ये बात। इसलिए यहाँ पर ये महाभारत रामायण होने का यही कारण बताया, इसलिए यहाँ पर महाभारत हुई क्यों, पहला कारण है द्रौपदी ने जुआ चलाया, दूसरा कारण बताए दुर्योधन ये सोच रहा था सारे संपत्ति मेरे को मिल जाए और किसी को नहीं मिली, देखना घर में इसलिए लड़ाई है। हम सोचते हैं ये संपत्ति और किसी को नहीं मिले, सारे संपत्ति हमें मिल जाए, दुर्योधन यही चाह रहा था, तभी तो महाभारत हुआ है। कभी कभी हमारे घर में भी यही कारण बनता है, सारे संपत्ति और किसी भैया को नहीं केवल अकेले हमें मिल जाए, इसलिए ये महाभारत का कारण है, ये दो कारण है। इसलिए जिस समय परीक्षित महाराज ने मातृ गर्भ में था, अस्वस्थ हमारे ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, इतने में उत्तरा ने कृष्ण शरण में चली गई, भगवान गर्भ में प्रवेश करते हुए बच्चे को उन्होंने रक्षा किया, बच्चा जन्म होते ही गर्भ में उन्होंने भगवत दर्शन किया था, सब को परीक्षण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया, बोले श्री परीक्षित महाराज की। कहते भागवत कथा की वक्ता जितने बड़ा है श्रोता भी कम नहीं, श्रोता भी बहुत बड़ा है। जब भगवान कृष्ण संसार से चले गए इतने में श्री पंच पांडव भी श्री श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राज सिंहासन में बैठाए, वो भी चले गए।
जब चले गए परिखित जब राज्य तो कर रहे थे ऐसे लग रहा था देश देश में कोई अनहोनी हो रहे हैं। तब उन्होंने चतुरंग संगीत को लेकर गए। उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है। देखा एक बैल जिसका तीन पैर नहीं वो एक पैर में खड़ा हुआ, एक शुद्ध लंबा चौड़ा एक व्यक्ति वो एक पैर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। परिखित महाराज तलवार लेकर झपट पड़े, बोले तू है कौन? बोले कली। बोले ये गैया कौन है? बोले पृथ्वी। बोले ये क्यों रो रही है? बोले भगवान कृष्ण चले गए कली युग आएगा, लोग बड़े दुष्कर्म करेंगे, ये दुष्कर्म को पाप को मैं सहन कैसे करके रो रहा हूँ। बोले ये बैल कौन? बोले ये स्वयं धर्म। पर इसका तीन चरण कहाँ गया? बोले सत्य त्रेतया द्वापर तीन युग चली गई, धर्म का तीन चरण समाप्त हो गई, धर्म केवल एक पैर में कली युग में खड़ा हुआ। बोले तू क्या कर रहे हो? बोले कोई धर्म कर्म रहने नहीं दूंगा, सब खत्म कर। परिखित ने कहा देखो जब तक मैं जगत में रहूंगा तब तक तेरा कोई प्रवेश नहीं, भाग जा नहीं तो जान से मार डालूंगा। बोले कहाँ जाऊँ? संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर आप राज्य सत्य द्वापर तृतीय तक राज्य किए, अभी कली युग आके मेरा भी राज्य मेरे को कृपा करके स्थान दे दो। अभी परिखित सोच रहे हैं इसको स्थान दूं कि नहीं दूं। देखा जब जब भी कली युग में पापी पाप हुए लेकिन एक धर्म भी कली युग में बड़ा अच्छा धर्म है। वो कली युग में क्या एक धर्म है? बले कली युग के बल नामा आधार, कली युग के बल नामा आधार, कली युग के अगर कोई व्यक्ति केवल चार नियम का पालन कर ले और थोड़ी सी भगवान का नाम ले बस बड़ा पार हो जाएगा। लेकिन वो चार नियम क्या है अभी ध्यान दे दर्शन, ये कली का कथा आ रही है। बोले पहला नंबर है कली युग में कभी जुआ मत खेला करो, इसलिए जो जुआ है ना ये बड़े सत्यानाश का कारण है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या दिया देखो मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूँ, ये जुआ खेला तो देखो मेरे कितने सत्यानाश हो गए, मेरे कितने सत्यानाश हो गई, राज्य गया भाई गए। अरे भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण भी देखना पड़ा था। इसलिए कभी भी ये जुआ कभी मत लगा, हाथ मत लगा। देखो अभी जो IPL आया था ना ये भी एक तरह का जुआ है, कितने लोग लूट गए कितना लोग अभी छह रह में रह गया, उसमें करोड़ों रुपया लगा देते थे बस एक मिनट करोड़ के भी एक तरह पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा धान गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, ये नशीली वस्तु है, ये चीज से दूर रहनी चाहिए। संतों तो कहते हैं कि जो व्यक्ति शराब पीते है ना उसका तीन लाभ है, कितना लाभ है बोले? कितना लाभ है शराब पीने वाला का? कितना लाभ है? तीन। बोले तीन लाभ क्या है? बोले पहला नंबर में बुरा नहीं लगेगा, बोले दूसरे नंबर में बोले उसके घर में चोरी नहीं होगी, बोले तीसरे नंबर में बोले कुत्ते उसका दोस्त बनेंगे। बोले भैया मतलब क्या है? बोले मतलब है पहला नंबर में वो बुरा नहीं बनेगा। बोले भैया बुरा बनेगा कब? जिंदा रहे तब तो बुरा बनेगा, वो तो पी पा करके बात आराम में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक माता 30 साल की उम्र दो बच्चे लेकर के मेरे से माला लेने के लिए आई। फिर मैंने इनसे बात किया, बोले ये बच्चों का पिताजी कहाँ है? बोले
चले ऊपर चले गए, बोले ऐसे कैसे हो गया, इतना जल्दी कैसे शरीर कैसे छोड़ दिए, बोले पीते थे, वो पीते थे इसलिए जब पकड़ा गया देखा आंख खत्म, हाँ पर खत्म, यही पर सब खत्म करके सब बचने का कोई सवाल नहीं था, इसलिए मेरे शरीर छोड़ दी। इसलिए पहला नंबर बूढ़ा नहीं बनेगा, दूसरा नंबर चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा, घर में तो चोर तो कभी चोरी होगी ना, वो तो जितना गहना पहना रहेगा बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा। इसलिए जितने माताएं हैं ना सावधान रहना। इसलिए भैया बच्चों को पतियों को बुरी आदत से छुड़ाया करो, ठीक है ना, बुरी आदत से छुड़ाया करो इनको। इसलिए तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते दोस्त बने, कहीं पी पा करके कहीं पड़ा रहेगा बास, कुत्ते आकर के मुंह में पेशाब कर जाएगा। आप लोग देखे होंगे एक वीडियो आया था, एक व्यक्ति पी करके कैसे पड़ा हुआ था, कुत्ते कुत्ते बुरी तरह से उसको मोच आ गया, आप देखे होंगे वीडियो में। इसलिए इस सब चीज को नहीं लेनी चाहिए है? नशा केवल एक ही नशा हो, भगवान की भक्ति की नशा हो, ठाकुर जी की प्रेम की नशा हो, दुनिया की नशा रात को जैसे नशा पियो खबर उतर जाती है, लेकिन भक्ति की नशा जब उतरती है तो बढ़ती रहती है, ये नशा बढ़ती है, नशा कभी उतरती नहीं। और देखो गुटखा भी मत लिया करो, गुटखा भी नहीं लेनी चाहिए, ये जिसने ये गुटखा कंपनी निकाला ना वो स्वयं कैंसर में खुद मरा, खुद मरे और दुनिया को उसने मरवा कर दिया। इसलिए गुटखा फुटका बच्चे लोग भी ये बुरी आदत को मत डाला करो, आप जो करोगे आपका बच्चों को फिर वही संस्कार पड़ेगा। जब पिता स्वयं जो चीज को ग्रहण करता है बच्चा क्या सोचेगा, जरूर इसमें तो बढ़िया चीज होगा, तब तो पिता ले रहे हैं ना। हमें ऐसे कोई आदर्श नहीं रखनी चाहिए जो बच्चे को पर बुरी आदत करे। इसलिए पिता माता को हर समय अच्छे रास्ता पर चलनी चाहिए, जैसे हमारे बच्चे हमसे कोई गंदी चीज नहीं सीखे बच्चे, ठीक है ना। इसलिए और जो दुतम पानम बोले स्त्रियम, कहते जो व्यक्ति नस्ली वस्तु ग्रहण करते हैं वो कभी तपस्या नहीं कर सकते, क्यों, बोले तपस्या कब करोगे जब बुद्धि स्थिर रहेगी, लेकिन जब कोई नस्ली वस्तु लेते हो बुद्धि तुम्हारी स्थिर नहीं रह जाएगा, फिर भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए देखो और एक चीज ये, बस चाय भी नहीं पीनी चाहिए, चाय भी कितने लोग चाय पीते हो, सबके लोग चाय पीते हो, देखो अभी आप बोले भैया चाय में क्या दोष, देखो ध्यान देखो सुनो, आप बोले भैया चाय में क्या दोष है, चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें एक निकोटीन कफीन डालते हैं। देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं ना, शराब पीने का समय आ जाए अगर वो शराब नहीं पिए बताओ तो क्या होगा, बेचैनी से आने लग जाती है, उसका बेचैनी से आने लग जाती है। देखना जो व्यक्ति चाय पीते हो, चाय पीने का समय आ जाए अगर चाय पत पियो बताओ तो क्या होगा, आप लोगों को बताओ क्या होता है, सर में दर्द होना लग जाता है, क्यों, उसमें कफीन और निकोटीन डाला हुआ है। ये पहले भारत में ये चाय थी नहीं, ध्यान देकर सुना, भारत में पहले ये चाय थी नहीं, ये अंग्रेजियों ने अपना बिजनेस को कैसे चलाया, बड़े बुढ़ों को पूछ लगे, ये अंग्रेजियों ने क्या किया, ये स्वयं चाय बना बना करके उनको पिलाने लगे, और ये बोलते थे देखो जो एक कप चाय पिएगा ना उसको एक रुपया मिलेगा, उस समय एक रुपया कितना दिक्कत था, हम तो बेटू बनी, बोले एक रुपया मिलेगा फिर एक कप चाय, बोले दो दो चाय पियो, कुछ दिन बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा, बोले 50 पैसा एक कप चाय लो 50 पैसा लो, कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद में जब नशा चढ़ गई ना, बोले अभी कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा लेकिन नशा चढ़ गया ना, बोले तभी दो, कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा दो, बोले लो, कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा दो, बोले लो, कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया दो, बोले लो, कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया, बोले लो, बोले 3 रुपया लो, बोले 5 रुपया लो, अभी कितना हो गया है, बोलो अभी एक कप चाय कितना हो गई, 10 रुपये। हमें ठग दिया ये अंग्रेजियों ने, अपना बिजनेस चलाया हमें ठग लिया उन्होंने, इतनी सी चाय अब 10 रुपया में दूध कितना मिलेगा, बोलो एक कप आपको दूध मिलेगी, एक कप आपको दूध मिलेगी, लेकिन हम एक कप दूध नहीं पीते हैं और 10 रुपया की चाय हम पी करके ये विदेशियों का हमने बिजनेस हमने चला दिया, हमने बेकूफ बन गए हैं, मूर्ख बन गए हैं। इसलिए चाय में निकोटीन कफीन, लेकिन हम क्या कहते हैं
भैया सवेरे एक कप चाय पी लो दिन भर चिंता नहीं। आप बताओ इतनी सी चाय से तुम पेट भरती है? आप बोलो हमने चाय नहीं पी, हमने जहर पिया है, हमने 20 को पी करके अपना भूख को हमने खत्म कर दिया। 10 रुपया में घर में खाना मिल जाएगी, चार रोटी बन जाएगी, 10 रुपया में सब्जी दाल हो जाएगी। लेकिन अगर भैया शरीर सुस्त रहेगा दाल भात सब्जी खाओगे, लेकिन चाय पी करके शरीर के लिए हानिकारक है, ये भूख को खत्म शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए चाय हमें नहीं पीनी चाहिए। देखो दूध में गोल मिर्ची डाल करके, अदरक डाल करके, कोई अच्छी चीज डाल करके जो हेल्थ के लिए अच्छा वो चीज को पिया करो, ऐसे नहीं दूध भी पियो और बच्चों को जोर जबरदस्ती पिलाओ। ये बच्चों के ऊपर में पूरे संस्कार मत डाला करो, ठीक है ना? और अगर कोशिश कर सकते हो जैसे चाह घर से निकल जाए, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ठीक है? कोशिश करना धीरे 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 चाय को कम करते हुए चाय को खत्म कर देने के लिए कोशिश करना, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। देखो हम लोग जिस संप्रदाय में है ना, हम लोग शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में, ये शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में कोई नस्ली वस्तु नहीं चलते है। हम लोग इसी तरह का कोई बुरी आदत डालते भी नहीं, कभी उसको डलवाते भी नहीं। खाओ अच्छे चीज खाओ, जो हेल्थ के लिए अच्छी चीज, कोई चीज को खाया करो जो शरीर मन आपकी अच्छा है, ठीक है ना? तो दूसरे नंबर है जब स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है, बोले कौन सा स्त्रियों में? जब जो अवैध रूप में स्त्री जो पुरुष और पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना घर भेज दो। ऐसे नहीं शादी नहीं किया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे, नहीं, ये शास्त्र हमारे इसको स्वीकार नहीं, ये चीज को स्वीकार नहीं किया शास्त्र ने। संसार करो, शादी करके धर्म को साथ में अपना घर गृहस्थ बैठाओ, जिसमें हमारी धर्म रहेगा, ठीक है ना? इसलिए ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पर कली का निवास, यहाँ पर पवित्रता नष्ट होता है। चौथा नंबर है, हाँ कितना हो गया? चौथा नंबर जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, और ये सफेद आलू है ना अंडा, कि अंडा भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि महाभारत में कथा आती है, जब ये महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, जब गांधारी की 100 के 100 बेटे मारा गए, कृष्ण के पास में गए धृतराष्ट्र गांधारी, बोले हमें ये 100 बच्चों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा? भगवान की पूर्व जन्म की कथा सुनाए, बोले पूर्व जन्म में तुम जंगल में शिकार करने गया था और बड़ा तेज से भूख लगी, एक पेड़ गोबर में चढ़ करके चढ़ा और वहां पर तुमने अंडे खाए, 100 अंडे खाए और एक एक अंडा में एक एक बच्चा है, तुमने 100 अंडा नहीं खाए, तुमने 100 बच्चे को तुमने खाया, इसलिए इसी जीवन में तुम्हें 100 बच्चों का तुम्हें मृत्यु देखना पड़ा, ये कृष्ण खुद कहते हैं। इसलिए ये सब चीज को हमें त्याग देनी चाहिए, प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, शुद्ध रूप में भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, घर में बच्चों को खाना खिलाओ, जिसमें जैसे खाओगे अपना जैसे मन जाता है, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन जब उन्होंने कली को स्थान दिया ना, ये कली खुश नहीं हुआ, बोले क्यों? बोले भैया मैं कहाँ घूमते रहो, कौन जुआ खेलता है, कौन मांस खाता है, मेरे को ऐसे ऐसे स्थान दे दो, मेरे को कहीं घूमना नहीं पड़े, कहीं हमें घूमना नहीं पड़े, सुवर्ण स्थान दे दिया। किसने स्थान दिया? किसने स्थान दिया? सुवर्ण मतलब पैसा में। अब देखना ये चार जो पाप कर्म कहाँ ज्यादा होता है? जहाँ ज्यादा पैसा, बताओ ये जुआ कौन खेलेगा? 1 किलो मांस 4 से 5 हजार रुपया देकर कौन खाएगा? ये शराब कौन पिएगा? ये अवैध वेश्या घर में कौन जाएगा? ये जहाँ जितनी पैसा है जितना ज्यादा अनर्थ वहीं पर है। अभी यहाँ प्रश्न आता है, बोले पैसा तो लक्ष्मी है, राधा रानी है, ये पैसा लक्ष्मी है ना, फिर लक्ष्मी ने ये कैसी चीज है? ये चीज को अच्छे तरह से समझो,
ये लक्ष्मी में ये चीज कैसे है। देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप बताओ लक्ष्मी के बहाने कौन है? कौन बोलेगा हाथ उठाओ? ये लक्ष्मी के बहाने कौन है? जोर से बोलो। मतलब जो वो बैठ करके आती ना उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है, हमें ये उल्लू बनाते हैं। लक्ष्मी का एक बहाने उल्लू, लेकिन लक्ष्मी की और एक बहाने बताओ, याद है मैंने पहले बताया था, एक तो उल्लू और एक कौन है? बोले जोर से, दूसरा है गरुड़। आप देखना उल्लू को ऊपर में लक्ष्मी अकेली बैठी है। मतलब जब लक्ष्मी को आप बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी को अगर अकेले घर में बुलाओगे, माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों तुमको भोग करेगी? लक्ष्मी बोली करेगी तो भोग करेगी, मेरे को भोग करोगे तब वो उल्लू भर बैठ करके आएगी। लेकिन लक्ष्मी को अगर बुलाओ, माँ लक्ष्मी आपका नारायण की हो, आओ हम ठाकुर को सेवा में लगाएंगे, फिर लक्ष्मी वो उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, फिर लक्ष्मी गरुड़ को ऊपर बैठ करके। किसको ऊपर में? गरुड़ को ऊपर में। लक्ष्मी को देखना, कभी गरुड़ को ऊपर में लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठती, नारायण को साथ दोनों बैठते, कभी लक्ष्मी को अकेली नहीं देखोगी। मतलब है अगर लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओ ना, वो गरुड़ को ऊपर बैठ करके नारायण को साथ में आएगी। और गरुड़ कहाँ रहता है? बोले वैकुंठ में। गरुड़ कहाँ रहता है? ये वैकुंठ में रहता है। मतलब तुम्हारी घर को वैकुंठ बना देगी, गोलो को वृंदावन बना देगी। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओ। मतलब घर में जो कुछ खाना बने, ठाकुर जी को भोग लगाया करो, कम से कम ठाकुर जी को तुलसी पताते हुए भोग लगाओ। क्यों? पैसा से सब कुछ खर्च किया, फिर वो अगर ठाकुर को सेवा में लग गया तो लक्ष्मी खुश हो जाती है। क्यों? मेरे प्रभु को सेवा में हमको लगा दी। इसलिए उन्होंने कि जो कली को उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया। तुलसी वृंदावन निहारी लाल की। देखो कल है भागवत में सबसे बड़ा उत्सव है, बताओ तो कल क्या है? बोले जोर से, कल भगवान जन्म लेने वाले हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से बोलो, भगवान आने वाले ना। बोले श्री नंद के लाला की। कल भगवान जन्म लेने वाले। जब मैया यशोदा गर्भ धारण की, ब्रज में जितनी गोपियां थी ना, वो छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा सुंदरी बना के रहती। बोले नंद के लाला होगा तो कहीं निकल के हम जाएंगे। और जितने गोप लोग थे ना, बड़े सुंदर बगलबंदी धोती है और पगड़ी बना करके रखी। बोले लाला जन्म होगा तो इसको कहीं निकल के हम जाएंगे, लाला को बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले। देखो माता है कल एकदम, कल कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे? पीले रंग की। कौन सा रंग की? पीला रंग की। और कोई रंग नहीं होनी चाहिए, नहीं हो तो उधार करके पहनना। लेकिन पहन करके आना पीला रंग, ऐसे कोई बात नहीं। कोशिश करना अगर पीला रंग हो ना, बढ़िया, ठीक है ना। कल ठाकुर जी जन्म हो रहे ना, तो 30 करोड़ देवता भी स्वागत करने के लिए आए। इसलिए कल बढ़िया बढ़िया साड़ी पेटरा में अलमारी में तुम्हारी जो शादी का समय का जो साड़ी लहंगा चुंदरी उसको तुम निकालना। और बढ़िया सर धज करके कल भगवान की बधाई देने के लिए सबके सब आना, ठीक है। और एक काम करियो, जैसे सोने का ना कोई चीज पहन करके बताना, सोने का कोई चीज पहन करके बताना, क्योंकि अगर कोई इधर उधर हो जाएगा, बोले वो कथा में गए थे चोरी हो गई। इसलिए अगर पहनना तो अपना चीज को सावधान से करना है उस समय। अगर पहन करके नहीं आओ तो बहुत बढ़िया है। अभी तो और बहुत सारी चीजें मिलती हैं दूसरे तरह का अलंकार गहना, लेकिन सोने मत पहन करके आना, ठीक है। और जितने हमारे भाई लोग हैं, हम लोग क्या पहन करके आओगे? अगर धोती हो तो बहुत अच्छी बात है, धोती पहन रहा है, धोती का जिसके घर में होगा बहुत अच्छी बात। अगर नहीं हो तो वो तो बहुत बढ़िया है, सबके सब वो धोती पहन पाएंगे। और माताएं गोपी भाव से आना, भाई लोग वो भाव से आना, पगड़ी बगलबंदी धोती। अगर ये नहीं हो कम से कम सफेद रंग की कुर्ता पैजामा पहनना, और अच्छे तरह से जितने तुम्हारे बच्चे होंगे ना, सब बच्चों को ग्वाल बाल, जितने लड़के को ग्वाल बाल, जितने लड़कियां उनको गोपी बना करके लेकर के आना। और किसकी घर में एक छोटा बच्चा हम लोग देख लेना, 2-3 महीना की, 4-5 महीना की, अगर किसको घर में एक बेटा होगा तो आप बता देना,
कल हम जिनको नंद जसोदा बनाएंगे अपना लाला को अपने कृष्ण बनाएंगे। देख लेना किसके घर में छोटा बेटा होगा, किसके घर में छोटा बेटा बात हो गई बात ठीक है। अगर अपना बच्चों को अगर भगवान बना कर लाना तो सजा भजा कर ला सकते, कोई बात नहीं। कल बड़े धूमधाम से यहाँ पर कल हम लोग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो और देखो इधर सुना, ये जो कथा है ना ये सब आप लोगों का कथा है, आप लोग सब मिल करके ये कथा कर रहे हो, इसलिए आप लोग जैसे टफी है हाँ कोई खिलौना हो, जैसे बच्चे का जन्म में उसको हम लोग बांटते हैं ना, उसको लुटाते हैं, कोशिश करना थोड़ी थोड़ी लेकर के आने के लिए। अपना बेटा का जन्म में कितने हम कुछ क्या करते हैं, अरे भगवान के लिए थोड़ा लाओगे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। देखो मेरे लिए भी लाए और एक दिन ठाकुर ही तुम्हारा लाला बन कर आ जाएंगे, ठाकुर ही तुम्हारी लाला बन करके ठाकुर जी आ जाएंगे। इसलिए कल बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएंगे, कल भगवान रावण के भी जन्म लेंगे, भगवान राम सारे भगवान कल जन्म लेंगे ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कोई प्रसाद नहीं है दे दिया जो आज के प्रसाद की व्यवस्था की है, श्री चौधरी लहरी सिंह जी, चौधरी श्रीमती शीला जी, श्री स्वामी सिंह जी, एक बार जोड़ा दादी हुसैन दानी जाता हूँ वो स्वागत करेंगे। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे ऐसे दानी जाता हूँ घर में सदैव शुभ सम्मति शांति बनी रहे और इनका मन ठाकुर सेवा में लगा रहे। श्रीमान डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आए ठाकुर जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने। हरे कृष्णा हमारे आप इनको जानते कि नहीं जानते हो ना सबके सब। देखो मैंने इनको गले में देखो माला झोली है, डॉक्टर होते हुए देखो गले में ये माला, कभी दो घंटा जाते हैं और दो घंटा आने जाने में, ये चार ही घंटा जाते आते समय ये स्वयं बता रहे थे। पहले मैं बड़ा चिंता में पड़ा था, जब दो घंटा जाता था आता था तरह तरह का मेरे दिमाग परेशानी थी, इधर उधर चीज में लगी रहती थी, मन को शांति नहीं, मन बड़ा बेचैनी से होती थी। लेकिन वो आज मेरे को बता रहे थे जब तक मैंने माला आपसे ली और दो घंटा जाते समय ठाकुर का नाम आते समय दो घंटा नाम, इतने मेरे को शांति, इतने हमें शांति सुख मिला जो हम बता नहीं सकते। पहले मेरा बड़ा भरा बेचैनी से रहता था, क्या करे इधर उधर चीजों में भटकती रहती थी, लेकिन जब से हम भजन कर रहा तब से बड़ा आनंद। इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये गले में तुलसी कंठी भी पहनी है, इनकी गले में तुलसी कंठी भी है और ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं। जी हमारे प्रभु जी एक बड़े सुंदर भजन गाएंगे जो नाचने वाला भजन है।